वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम लोग बहुत ही मुकाबलेबाज कौम है, हम लोग सुधरते नहीं हैं, मुकाबले करने में हमेशा आगे रहते हैं। वैसे एक हकीकत है, इंसान की फितरत भी है, मुकाबला करना कभी कभार हेल्दी भी होता है। कंपटीशन चाहे पढ़ाई में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो, आपको बेहतरी की तरफ ले जाता है अगर आप उसे पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन ये मुकाबलेबाजी शुरू कैसे होती है? ये हमारी गुट्ठी में होती है। अब जैसे बच्चा पैदा होता है और उसके बाद वो चलना शुरू करता है, हमेशा अम्मी किसी ना किसी से मुकाबला कराती है, तभी वो जाके खाता है, देखो देखो तुम्हारे भाई ने खाना ख़त्म कर लिया, देखो देखो वो जीत गया, कितनी तेज़ भागा। तो दूसरों को देखते ही हमें कुछ फुर्ती आ जाती है हमारे अंदर और हम मुकाबलेबाजी में लग जाते हैं। कज़न्स का आपस में मुकाबला करना, देवरानी जेठानी का सास मुकाबला करती हैं तो उसमें वो होता है कि कौन ज़्यादा अच्छा खाना पकाता है, कौन ज़्यादा अच्छी सफाइयाँ करता है। सो कभी कभार ज़िंदगी में एक दूसरे को चढ़ाने से बहुत सारे काम निकल जाते हैं। अगर आप ये देखें कि कुछ मुकाबले ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा कामयाब रहेंगे और उन मुकाबलों को देखने के लिए आवाम तरसती रहेगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया पाकिस्तान का मैच। ये मुकाबला जब भी होता है सारे लोग अपने काम छोड़ के बस टीवी के आगे बैठ जाते हैं, स्टेडियम में किसी ना किसी तरह कोशिश करके पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये मैच ही इतना एक जंग की तरह लिया जाता है और बहुत लोग इन्जॉय करते हैं इसे। अगर आप, मैं आपसे ये कहूँ, खामखाई में बैठे बिठाए, हालांकि पाकिस्तान के दो शहर हैं लेकिन ऐवे ही में ना, अगर लाहौर वाले और कराची वाले बैठे होंगे, ऐवे ही में जंग छिड़ जाएगी एक बीच में, भाई खाने तो लाहौर के हैं, भाई खाने तो कराची के हैं, ये मुकाबलेबाजी चल जाती है, लाहौर ये कराची वो, कराची ये लाहौर वो। सो जाने अनजाने में भी हम शहरों की मुकाबलेबाजी कर रहे होते। और जैसे कि मैंने कहा कि मुल्क एक है शहर दो हैं, उसी तरह अगर आप नोट करें, अम्मा अब्बा में बहुत सारी जंगों के अलावा एक प्यारी मासूमाना और छोटी सी जंग मैके और ससुराल की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा होता है, मेरी अम्मी ये करेंगी, नहीं मेरी अम्मी करेगी, मेरा भाई अजान देगा, नहीं मेरा भाई अजान देगा, मेरी बहन गुट्ठी चटवाएगी, नहीं मेरी बहन गुट्ठी चटवाएगी। शक्ल किस पे गई है? ददियाल पे। अगर प्यारा हुआ तो ददियाल पे, अगर नहीं प्यारा हुआ तो ननियाल पे, या अगर प्यारा हुआ तो ननियाल पे। मतलब ये जंग, ननियाल और ददियाल की जंग आपने भी बेयर की होगी अपने ख़ानदान में, हर जगह हर कोई बेयर करता है, पता नहीं एक कोल्ड वॉर सी होती दोनों ख़ानदान के बीच में, जब खाला और फुप्पी आमने सामने बैठी होती है तो सब यही जान रहे होते हैं कि ये जो बच्चा जिसकी सालगिरह पे हम आए हैं ना, हम इससे ज़्यादा प्यार करते हैं। उस बच्चा बड़ा कन्फ्यूज रहता है, उस बच्चे को समझ नहीं आता, उसे वही समझ आता है जो उसको बताया जाता है, या फिर उसको जहाँ से ज़्यादा प्यार मिल रहा होता है, चाहे वो फुप्पी हो दादी हो या वो खाला हो नानी हो मामू हो चाचा हो। तो ये मुकाबलेबाजी चलती ही रहती है, चाहे बच्चा पैदा हो, चाहे बच्चे की सालगिरह हो, चाहे बच्चे की कोई कामयाबी हो, चाहे कोई दुख सुख हो, चाहे उसकी शादी हो या उसके लिए लड़की पसंद करनी हो या लड़का पसंद करना हो। ये जो ननियाल और ददियाल की जो गेम है, ये ना ख़त्म होने वाली गेम है। सो मैंने कहा जब ये गेम चल ही रही है तो चलो इस गेम में भी एक छक्का मार दें। और आज हम आपके सामने कुछ सेलेब्रिटीज़ के ननियाल वाले और ददियाल वाले लेकर आए हैं साथ। ये जंग छेड़ने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन मुझे नहीं पता, हो सकता है छेड़ जाए, ये रिश्ते ही ऐसे हैं। लेकिन ये ऐसे रिश्ते हैं जिनके बगैर ज़िंदगी फीकी है। हाय, याद है वो आपको गर्मियों की छुट्टियाँ जिसमें हम लड़ लड़ के अपने ददियाल रहने जाते थे या अपने ननियाल रहने जाते थे और कज़न्स के साथ खेलना, हुल्लड़बाजी करना। याद है आपको वो फलानी बाजी की ढोलकी जिसमें सब ने मिलके धमाल मचाया था, क्या डांस की प्रैक्टिस। ये जो छोटी छोटी मेमरीज़ हैं ये अजबर हो जाती हैं, ये नक्श हो जाती हैं आपकी मेमरीज़ में। और फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपके बच्चे हो जाते हैं और आप अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, तो कभी आप बैठते हैं और याद करते हैं उन दिनों को जो आपके बचपन के दिन थे, जो आपके लड़कपन के दिन थे, जो आपकी जवानी के दिन थे, कि कितने मज़े से हमने वो गुजारे अपने कज़न्स के साथ, अपने ननियाल या ददियाल वालों के साथ। ये रिश्ते हैं ही इतने प्यारे, चाहे हम इनसे कितने लड़े मड़े, मुकाबले करें, कुछ भी करें, लेकिन इनके बगैर हम अधूरे हैं।
सो आइए आज का अधूरापन, आज की सुबह का अधूरापन निदा यासिर और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान दूर करेगा 2.5 घंटे तक। फिर देखिएगा दिन ऐसे गुजरेगा पता ही नहीं चलेगा। तो अच्छा मूड करना है तो देखिए मेरा शो छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ननियाल वाले, ददियाल वाले, आहा कितना मजे का टॉपिक है ना आज। सेलिब्रिटीज अपने कजन्स के साथ हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये कह ले कि ननियाल वालों के साथ या ददियाल वालों के साथ। और फिर जाहिर है हर ख़ानदान की अपनी कहानी होती है, अपनी मस्तियाँ होती हैं और अपने फ़न करने के तरीके होते हैं, खेलना कूदना मशहूर ज़माना गेम्स होते हैं जो वो बचपन से लेकर काफ़ी सालों तक खेलते आए। सो इस वक्त मेरे पास जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूं आपसे और उनके ननियाल या ददियाल वालों का भी। फैज़ान आज हमारे साथ हैं और फैज़ान के साथ सरदार सैफ, उनके मामू के बेटे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, जबरदस्त, बहुत ठीक ठाक। समझा के लाए मामू के बेटे को कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ जरा इनका इम्तिहान हो। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग शोबिज में हैं जी, मैंने कहा इनका जरा कैमरे के सामने इम्तिहान हो, पता चले। तो इनको कहीं दूर दूर तक है शौक कि मैं भी आऊँ कैमरे के आगे? बिल्कुल भी नहीं है, ऑल्दो हमारे यहाँ पढ़ाई बड़ा जोर रहता है। अच्छा, तो माशाल्लाह ही इज़ वेरी गुड लुकिंग। हमने कई दफ़ा कहा है कि भाई कोई अगर एक्टिंग उतना शौक नहीं है तो मॉडलिंग कर लो या कुछ, वो कहते नहीं भाई कोई सीन नहीं है। क्या करते हैं आप सरदार साहब? सरदार बोलो, सैफ बोलो, जो आपको आपको घर में क्या बोलते हैं? सरदार सैफ, सैफ बोलते हैं। अच्छा, सैफ, नहीं तो ऐसा लगे सरदार आइए खाना खा लीजिए, वो लगता है किसी कबीले में घूम रहे हैं, सरदार बुला रहे हैं, हला 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 उलु। नहीं नहीं, हम सैफ बोलते हैं इनको। हाँ, तो सैफ क्या करते हैं? मैं नाम पे ही फोकस हो गई। जी मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके उसमें होता हूँ। अच्छा अच्छा, एज अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। अच्छा अच्छा, सो कोई इरादा नहीं है कि कैमरे के आगे? असल में इन्होंने घर में हमारे हालात देखे जो हमारे हालात होते हैं ना, क्योंकि हम ना शादियों में जा पाते हैं सही से, ना किसी चीज को अटेंड कर पाते हैं, और कभी चेक आता है कभी डिले हो जाता है, ये भी होता है। एग्जैक्टली, तो इन लोगों ने हमारी स्ट्रगल्स देखी है सब। तो जब इनको हम कहते कहते नहीं भाई आप ही लोग करो, आप ही लोग करो, आप ही लोग खुश रहो, आप लोग ये कर सकते हैं। दूसरी तरफ मेरी जी है फहीमा, फहीमा अवान, अपनी चच्चा की बेटी नहीं भाई की बेटी के साथ। कभी कभार ऐसा होता है बड़े बच्चों की शादी हो जाती है लेकिन माशाल्लाह बच्चों की और अम्मा अब्बा का मुकाबला रहता है, और ऐसा होता है कि बच्चों के भी बच्चे हो रहे होते हैं और अम्मा अब्बा के भी बच्चे हो रहे होते हैं। और ये वही कहानी है जैसा कि हुआ करता था जब बहन भाई ज़्यादा हुआ करते थे एक ज़माने में। तो फहीमा अपनी भतीजी, जो तक कि आगे पीछे वो कहते हैं ना थोड़ी सी ज़्यादा होंगी से कुछ 2-4 साल का फ़र्क होगा, सिदरा बिलाल के साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये फुप्पी भतीजी, लेकिन कजन्स वाला हाल हो जाता है ना? हाँ, कजन्स। नहीं भाई माँ बिल्कुल, और हमने तो बहुत मजे किए हैं बिकॉज़ सेम एज ग्रुप के, इनसे भी जो बड़ी बहन है वो भी हम लोग फ्रेंड्स ही हैं। हाँ, हमने इतनी मस्तियाँ की हैं मिल मिल के, हमने फुप्पी तो थे ही नहीं ना। हाँ, फुप्पी है ही नहीं, फ्रेंड्स है। तो सिदरा तो बहुत चैटर बॉक्स, और सिदरा ने बहुत मस्तियाँ करनी है। सिदरा घर में सबसे बड़ी है, छोटी लेकिन बड़ी है वैसे, मतलब चीज हैंडलिंग में। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है सिदरा। सो ये कितना मजे का रिलेशनशिप है। मतलब मेरे भी ननियाल में यही चक्कर था कि माशाल्लाह मेरी नानी के बच्चे और मेरी सबसे बड़ी खाला के बच्चे हम उम्र हैं, और अच्छा। वो वाला कहानी, वही वाली कहानी इधर भी है। सो मजे मजे के रिश्ते होते हैं। बिल्कुल, फुप्पो की इज्जत है कि वो कजन वाला हाल है। बिल्कुल, इज्जत इज्जत अपनी जगह, लेकिन ये पार्टनर इन क्राइम बिल्कुल, और अपनी फ्रेंडशिप अपनी जगह। हाँ, कभी होता है अचानक से बोले कि मैं तुम्हारी फुप्पो हूँ, इज्जत करो, मैं फुप्पो हूँ। अचानक से फुप्पो अपना फुप्पो रोब दिखाई देती, दिखा देती है, वो दिखाना भी चाहिए ना। सो अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि भाई जो तुम लोगों के एक खानदानी गेम होते थे ना, वो ददियाली गेम जिसे कहते थे। हाँ, ददियाली हुई ना पुप्पो, तो ददियाल हुआ ना, ददियाल। तो वो क्या होते थे तुम लोगों के? मतलब हर खानदान के अपने अपने गेम होते हैं, जैसे खो खो हो गया हमारे यहाँ, छुपन छुपाई, बर्फ पानी, डार्क रूम।
ये एक मखसूस गेम होता था डार्क रूम, हम लोग खेलते डार्क रूम और वो परी वाला जो गेम होता था हाँ। बहुत लाल परी आना, लाल परी आना, चुकी चुकी आना, वो हमने बहुत खेला हाँ। या फिर हम किसी के बेल बजा के भाग जाते थे हाँ। ये बड़ा फेवरेट होता था कि बेल बजा के, ये तो सबने किया मेरे ख्याल से, हाँ गायब हो गए सबने, बेल बजा सबने किया, सबने किया बेल बजा के भागना, जब बोरिंग होने लग गया तो फिर बेल पे च्युइंगम लगा देते थे, बचती रहे ताकि वो बचती रहे, फिर एक ही दफा खत्म हो जाए। आप लोगों के खानदान के क्या गेम्स होते थे? वो एक तो क्रिकेट का बहुत ज्यादा रुझान है हमारे यहाँ, देखी भी जाती है खेली भी जाती है, लेकिन अगर सब बैठे हो पूरे खानदान वाले तो डम्प शॉट एक ऐसी चीज है, और उसमें इतना हम सीरियस खेलते हैं कि अगर कोई बाहर से देख रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है जैसे आदि मेरे यहाँ बहुत यूजुअली आता है हाँ। तो ईद पे अगर वो आया वो देखे वो कहते तुम लोग इतना सीरियस हो क्यों, क्यों खेलते हो भाई हाँ। इंजॉय करो, लेकिन हम एक एक पॉइंट पे ना लड़ाई हो रही होती है कि इसने चीटिंग की है, इसने वो बताया हाँ। और मतलब वो माशाल्लाह जब सब जमा हो जाते हैं तो 10-10 लोगों की टीम बन जाती है, कितना मजा आता है, सब खेलते हैं उसमें बड़ों से लेके सबसे छोटे तक, हमारे अभी ऐसे ही होते हैं, एवरीबॉडी टेक्स इट, मेरे अब्बू भी खेल रहे होते सोच सोच डम शॉट ज्यादा मजा, और वो एक्टिंग करके भी एंजॉय कर रहे हैं घर में, बहुत मजा आता है उसमें, बहुत मजा, कजिन्स के साथ जब बड़े भी मिल जाते हैं ना, जैसे आपकी अम्मी वगैरह सब मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, और मुझे लगता है ऐसी बॉन्डिंग या ऐसी बॉन्डिंग का क्रेडिट जो है ना वो हमारे वालिदैन को ही जाता है, कि उन्होंने हम लोगों को इस तरह से रखा है कि हम सब घुल मिल के ही रहते हैं हमेशा, खेलो हम भी खेलेंगे, तो वो हम याद रखे, मेरा और सैफ का काफी एज का डिफरेंस है, मुझसे 8 साल बड़ा है, मतलब छोटा है, मतलब दिल नहीं चाहता कहने का, लेकिन माशाल्लाह 8 साल बड़ा है छोटा है, तो वो लेकिन ये कि हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम बिल्कुल दोस्तों की तरह, हमारी बातचीत भी ऐसी रहती है, हम चीजें डिस्कस भी करते हैं, काम रिलेटेड हो लाइफ रिलेटेड हो, बिकॉज इनको मैंने वाकई बड़े होते हुए देखा है अपने साथ हाँ। तो वो ही है कि दोस्ती भी रहती है हाँ। लेकिन वही कभी कभी बताना भी पड़ता है कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन मेरे कजन जो होते हैं ऊपर तले के, इस तरह 6 से 8 साल का फर्क जब बड़े हो जाते हैं ना जी, पता ही नहीं लगता कि कौन किससे बड़ा है हाँ। बिल्कुल, और फिर वो एक टीम बन जाती है, ढोलकियाँ हो। अच्छा, आपके खानदान में जैसे मैंने देखा है कि माशाल्लाह आप, आपकी बहन, सब पूरा ग्रुप बना के शादी हो खुशी हो, बहुत सब सीरियस लेते हैं हाँ, हाँ। सीरियस लेते हैं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हुई भी होती है डांसेस वगैरह की, तो ये भी as good, as good as us. वाओ। बिल्कुल सीरियस, मतलब आप कभी भी कहीं भी कोई भी गाना लगा दें तो ये खानदान जो है हार ही नहीं सकता ढोलकियों में, ऐसे ही होता है, ऐसे ही हम लोग कभी कभी बैठ के ना काउंट भी करते हैं, कभी याद पड़ता है हम किसी कोई मेहंदी हारे हो, कभी ऐसा हुआ हो कोई हाँ। कभी कोई ऐसी मेमोरी नहीं है कि हम हार गए हो, कोई नहीं सकता, इतना मजा आता है। कुछ खानदान में ये होता है जैसे लाइक जब हमारा मुकाबला हो रहा था यासिर की फैमिली से, तो उनके खानदान में कोई नहीं था डांस करने वाला अच्छा। और हमारी फैमिली में सारे ना वो सीरियसली सीरियस हुए, 21 दिन से हमने पूरी तैयारियां की हुई थी और हमने उनको हरा दिया, मगर वो माने नहीं, 21 दिन तक हमने तैयारियां, तो कोई 2 महीने पहले से जो है ना, 2 महीने पहले से शुरू हो जाता है, गिनती कर रही हूं। अच्छा, पहले वो ये होता है कि पहले शुरू में ना हम थोड़ा सा इजी रखते हैं, अभी 60 दिन है तो चलो कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, कोई बता रहा है मैं यहाँ बिजी हूँ, जैसे जैसे वक्त करीब आता जाता है ना तो फिर अटेंडेंस रजिस्टर बन जाता है, और उसमें मेरी बहन सबसे आगे होती है कि ये नहीं आया, फिर इसको फोन करके डांट पड़ती है, इसका भी काम बड़ा मुश्किल है, तो ही इज नॉट अराउंड समवेयर, समटाइम्स ही इज नॉट इन कराची, तो फिर कैसे तुम चले गए इस्लामाबाद, फौरन वापस आओ, लाहौर क्यों क्या कर रहे हो, वापस आओ, तुम्हें आना है, भाई आ रहा हूँ काम भी चल रहा है, काम कितनी डेडिकेशन के साथ, सारा सबको देख के चलना, शदीद डेडिकेशन के साथ, और बड़ा मजा आता है भाई ढोलकियों, मजा उस वक्त आता है कि जब सामने वाली टीम और स्ट्रांग हो ना, तो उस वक्त बहुत ज्यादा मजा, कंपटीशन टफ हो तो और ज्यादा मजा, कंपटीशन नहीं हो तो हम कहते हैं अच्छा यार अब ये तो, अच्छा हमारे पूरे खानदान में ना अगर किसी एक का जो डांस है वो अगर उठ जाए तो हम सब बैठ जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है अब ये अब इसे संभाल ली, अब इसने संभाल ली आ रही है, वो है सिद्रा, सिद्रा ये जी, अरे भाई हम कहते हैं अब तो सिद्रा रैंप पे आ गई, आप छोड़ दो बस सिद्रा सबको संभाल लेगी, पूरी टीम संभाल लेगी, शादियों में तो इन्हीं चीजों में मजा आता है, और कितने दिनों से प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन एंड में क्या होना होता है वो बस जब जिस दिन होता है उसी दिन होता है। अच्छा, शादियों में ना कोई एक होता है जिसकी आवाज अच्छी है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाने का, गाने की एक है जो मेडले अच्छा बनाता है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, ना? दे दी जाती है, एडिटिंग किसने करनी है, डांस किसने करना है, गाना किसने गाना है, और स्टॉप और प्ले किसने करना है, वो एडिट इतना अच्छा होता है हमारे यहाँ भाभी के, वो एक ही दफा लगता है और आपको स्टॉप और प्ले नहीं करना पड़ता, मतलब राबिया, राबिया के जो हस्बैंड है ना रिहान, क्योंकि वो म्यूजिशियन भी है, वो एक ही मेडले बनाता है और उसके वो इतना सॉर्टेड टाइम से बनाता है कि आप वो एक दफा लगा के छोड़ दें और उसमें आपको ये भी टाइम मिलता है कि एक गाना खत्म हुआ तो वो ऑफ जाएगी, फिर दूसरी टीम आगे खड़ी होगी, ये भी इसमें भी कुछ ना कुछ बचता रहेगा, सबको याद होता है, प्रो लेवल के हो गए हम लोग, ओह माय गॉड, प्रो लेवल पे करते हैं हम लोग सारे, इनकी तैयारी पक्की है, पक्की पक्की थे हमारे इन लॉज में, ये होता था कि फैसल ऑलराउंडर थे, फैसल ने गाना गाना है, फैसल ने डांस करना है, फैसल ने पूरी खानदान की शादी संभालनी है, और सबको पता है कि फैसल नहीं करना तो इसलिए फैसल तुम करो सारा, अच्छा तुमने ही सबको संभालना है,
तो फैसल बेचारा भाग भी रहा है, फिर रात को गाली भी गा रहा है, तो फिर डांस भी कर रहा है, वो भी अच्छा ऑलराउंडर ही है। अच्छा जी, मेरी जो अगले गेस्ट है वो अपने आए हैं ताया के बेटे के साथ, तो किस ददियाल में जाएंगे? ददियाल में इस तरफ आएंगे अरूबा मिर्जा अपने ताया के बेटे मुनीब अहमद के साथ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी अरूबा? ठीक ठाक है। अस्सलामुअलैकुम मुनीब, प्लीज आइए बैठे जी ददियाल वाले। अच्छा ताया के बेटे जो है, हमारी भी बड़ी दोस्ती रही है अपने ताया के बच्चों से और उनके बेटों से। सो लड़कियों की आपस में कजन्स में से होती है, लड़के कजन्स हमेशा तंग करने वाले होते, तो ये ताया के बेटे तंग करने वाले या अरूबा तंग करती थी? हाँ कुछ ऐसे ही है, लेकिन ये था कि बड़ी जरा वो एल्डरली सिस्टर वाली वाइब है हमेशा से। अच्छा, तो हालांकि इवन दो शी इज जस्ट 1 ईयर एल्डर देन मी, लेकिन हमेशा से ये मुझे आप बड़ी कहो बड़ी आपा वाला वाइब है। तो रोप झाड़ने वाली थी कजन ये? नहीं, बहुत रोप झाड़ने वाली नहीं, जरा ख्याल और वो जो होता है ना मदरली फिगर वाली जो चीज होती है वो हम एक साल बड़ी अरूबा और मदरली फिगर, लेकिन वाइब हमेशा से केयरिंग में है। हां सो जैसे लाइक होता है ना कि ददियाल में ज़्यादा कज़न्स हम उम्र होते हैं या किसी के ननियाल में होते हैं, तो अरूबा के ख़ानदान में किस तरफ ज़्यादा कज़न्स हैं? मेरे ददियाल ननियाल दोनों तरफ थे, दोनों तरफ, लेकिन ददियाल में मैं अटैच ज़्यादा थी क्योंकि इस्लामाबाद में थी। अच्छा, तो ददियाल सारा इस्लामाबाद में है और यही वो इंसान है जिसकी वजह से आज आवाम और आप सब मुझे यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अच्छा जी बिल्कुल ये ही है जिन्होंने मेरे बाबा से परमिशन ली थी और मुझे लेकर जब हम पहली बार मैं शूट पे गई थी तो यही थे जो मेरे साथ गए थे। अरे क्यूट। तो तुमने इनको बताया कि मुझे ऑफर आई है या कुछ, तो और इनको कन्वेंस किया कि अब्बा को कन्वेंस? हाँ, तो इन्होंने तो कैसे मनाया आपने इनके अब्बा को, क्या कहा जा? बस ये कहा कि देखें अब उसका शौक है, एक चीज करनी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, शी मस्ट बी गिवन द चांस कि उसको एक दफा एटलीस्ट ट्राई करने दें और मैं लेके जाऊंगा उसे। मैं लेके जाऊंगा। और वो तुम्हारे वैसे भाई हैं? हाँ हाँ बिल्कुल भाई हैं, लेकिन फिर भी ताया के बेटे ने तुम्हारी वकालत की? बिल्कुल, मैं कहती हूँ मेरे दो भाई हैं। हाँ। एक फैजान है, एक मुनीब। अच्छा, तो फैजान तुम्हारा जी जी वो भी आया ना आपके शो में? हाँ हाँ फैजान भी है। सो अच्छा यहाँ ये कहानी है। सो ये भी जिस तरह आपने इनकी वकालत की, कभी किसी काम ये वाली कजन आई है आपके कि नहीं? वो तो चीजें रहती हैं, मैं और बस इनको सिर्फ एक मैसेज करना होता है और वो फिर ये सॉर्ट आउट कर देती हैं चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फलां जगह रिश्ता करा दो या ये कजन से इस काम आती है या कॉल मिला के दे दो, रॉन्ग कॉल मिला दो, उस लड़की को बुलवा दो, यही चीजें होती थी। लेकिन नहीं, इस तरह का कोई स्पेसिफिक नहीं, लेकिन ये है कि घर में अम्मा से कुछ छोटे मोटे काम करवाने हो, कुछ भी चीज करवानी हो, तो वो उसमें परमिशन लेनी हो कि दोस्तों के साथ टूर पे जा रहा हूँ तो फिर मेरे पास कॉल आती है। तो मैं अपनी ताई से बहुत अटैच हूँ। अच्छा, तो फिर मैं ताई मी को कहूँगी कि ताई मी बस आप दे दें, और मुझे पता है मैं देख रही हूँ, मुझे पता है मेरे पास लोकेशन भी है उसकी। हाँ। दोस्त जा रहे हैं तो आप फिक्र न करें, सब खैरियत होगा। यार ये तो बड़ा मजा है भाई, कभी कभार तो कजन एक दूसरे की टांग भी खींच रहे होते हैं, फंसवाते भी हैं। हाँ, बहुत दफा किया मैं। सारे राज अफशा कर देते हैं खानदान में, बता दूंगा मैं। स्पेसिफिकली फोन आया बताना नहीं, मैं वहाँ मैच खेलने जा रही हूँ फौरन। खाला वो तो वहाँ घूम रहे थे फौरन, मैंने इसको देखा वहाँ। अच्छा अब यहाँ ननिहाल का एक और पार्टी आ गई भाई, सलमान सईद हमारे साथ है, माइक लग गए। खाला के बेटे के साथ आज हमें, खाला के बेटे अस्सलाम वालेकुम सलमान सईद बाकिर मोहम्मद के साथ, जगह दे दो ना, बिठा दो ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। अच्छा तो मैं तो सोच रही थी ये एक ही फरमा होगा, लेकिन है जो चेहरे का कट है। हाँ, वो है पूरा हुमायूं सईद फैमिली एंड सलमान सईद फैमिली वाला। उसका कट कुछ ज्यादा ही है, कट ही नहीं है, कट निकालना पड़ेगा। जी सो ये मैंने सुना है कि आपकी फैमिली में ज्यादातर जो है वो लड़के 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 है ना, ऐसा ही कहानी? मेरे कजन्स कम है लड़कियाँ? नहीं नहीं है, ददियाल साइड पे है काफी लड़कियाँ। अच्छा, खाला का बेटा तो ये ननियाल साइड, तो ददियाल साइड पे है ज्यादा कजन्स लड़कियां। हाँ, लेकिन हाँ। तो आप लोगों की ज्यादा किससे बंधी थी, लड़कों से कि लड़कियों से? दोनों से, दोनों से, दोनों से। हाँ। लेकिन वो ददियाल साइड के एज में काफी बड़े थे। अच्छा। और मैं काफी छोटा हूँ तो मेरी उनसे बड़ा वो, तो आपकी ननियाल साइड की तरफ ज्यादा। तो एक वाहिद ही कजन है जो थोड़ा छोटा है, अरे ये भी 10 साल छोटा है मुझसे। अच्छा, अच्छा। लेकिन ये लगता नहीं है। और कराची में रहते हैं उन्होंने कहा? नहीं नहीं, he's from सरगोधा, born नहीं,
कहाँ तुम कहीं बहरीन में कुवैत में पैदा हुआ देन सरगोधा में फिर अब ये लाहौर में शिफ्ट हो गया था यानी कि 10 साल का डिफरेंस है तो आपने इन्हें गोदों में खिलाया आप कह सकते हैं ना उस वक्त ये होते ना मुझे गोद में दे दे जब मैं पंजाब जाता था इसको लेके घूमता था ये प्यारा क्यूट सा अच्छा कभी सुधार में या बिगाड़ में किस चीज में माशाल्लाह आप वाकई हो ये मुझसे डबल बिगड़ा सुधारता हूँ उसको हाँ नसीहत भी देने वाले होते हैं कभी कभार कुछ कजन्स की कंपनी बिगाड़ती भी है सो ऐसा कुछ नहीं नसीहत देने वाले हैं कुछ अच्छी चीज उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल ज्यादा बताने की जरूरत नहीं बहुत सी चीजें हैं कुछ अच्छी चीज सीखी इनसे आप झूठ ना बोलना झूठ ना बोलना ये बड़ा ये इसका मतलब है बहुत झूठ बोलना मस्तियों में नहीं वैसे कभी सलमान भाई से पिटे हो आप ऐसे कजन्स पिटते भी तो है ना बड़े नहीं नहीं ऐसा नहीं कोई तो बचपन की याद होगी कि इन्होंने एक लगाया होगा फुल नहीं ऐसा कुछ नहीं कभी नहीं डांटा बहुत है हां डांटा हां तो किस बात पे डांटा है क्या झूठ बोलने पे हां ऐसे ही कुछ ये छोटी-मोटी मस्तियां आए चीज चुरा ली और ऐसे ही बताया बगैर गायब हो गया अच्छा दो दिन पता ही नहीं किधर है तो शिकायत आती थी आपको नहीं मैं अक्सर जहाँ वहाँ होता था अगर तो फिर पता चलता था फिर इसको मैं ढूंढ के निकाल लेता कहता था आपको इंटेलिजेंस में हर जगह पता चल जाता मैं कहाँ जाता हूँ कितने मजे मजे की यादें होती है अब जैसे मैं इन लोगों से भी पूछ रही थी आप दोनों से रह गया पूछना कि जो बचपन के खानदानी गेम्स होते हैं ना वो मखसूस होते हैं जो खानदान में खेले जाते हैं इन्होंने बताया कि लोग जब सब मिलते हैं तो डम शरीर जिनका खानदानी गेम इन्होंने बताया क्या तुम लोगों ने क्या बताया हम लड़के ज्यादा होते थे तो हम उनको भी मिला लेते थे कोई बाकी परा बन जाओ तुम ऐसा भी होता था तो आपके खानदान में क्या गेम्स खेले बचपन से क्रिकेट खेलिए बस क्रिकेट क्रिकेट और काफी स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस बहुत खेलता था स्क्वाश खेलता था अच्छा तो ये भी या ये गुम जाते थे बस ये पता नहीं मस्तियों में और लड़ाइयों में कोई गेम वेम खेली है तुमने फुटबॉल खेली होगी क्योंकि वहाँ अरब कंट्री में ज्यादातर फुटबॉल खेली जाती है बचपन में वहाँ पे गुजरा तो अच्छा और आप लोगों के खानदान में क्या गेम खेली जाती है एक बहुत ही वियर्ड और इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम लोग करते थे कि ना क्योंकि सेंस वो थोड़ा सा इनकी वाइब थी कि एक्टिंग वाली तो ना इनको लिखने का भी शौक था और थोड़ा सा डायरेक्ट करने का भी शौक था तो शी यूज टू लाइक नो छोटे छोटे ना ड्रामा टाइप का और वो भी ये कि वो नहीं होता हॉरर टाइप कुछ लिखती थी और फिर बोलती थी कि चलो अब तुम ये बनो तुम जिन बन जाओ तुम ये बन जाओ तो मैं तुम तीन लड़की हो तुम हॉस्टल से आओगे मैं खुद चुड़ैल बन जाऊंगी ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है हमारे पास वो क्लिप्स हैं आज तक बचपन के लेकिन सबसे माठा एक्टर कौन था पूरे फैमिली में मेरा भाई फैजान एक छोटा सा ब्रेक ले रहे फिर ननिहाल ददियाल की कहानियां इसी तरह आपके सामने होंगी मुझे पता है मैं तो फ्लैशबैक में चली गई उनकी बातें सुन रही हूँ तो मुझे वो सारी चीजें घूम गई कि हम क्या क्या करते थे उफ आप भी वहीं घूमिए याद कीजिए और SMS करके बताइए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सहूलत से शादी द वेडिंग एक्सपो कराची में ARYB ग्लोबल के स्टॉल तशरीफ लाएं और सहूलत से शादी की शॉपिंग करें ARY सहूलत वॉलेट मेंबर बने और हमारे बिजनेस सक्सेस पार्टनर से शादी की खरीदारी करके 80% सेव गोल्ड करें बिजनेस सक्सेस पार्टनर्स इवेंट बाय इवेंट पार्टनर पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी बिल्कुल पाकिस्तान में शादी सीजन शुरू हो चुका है और अभी हम ढोलकियों की बात करते हैं ननिहाल ददियाल वाले भी हमारे पास यहाँ मौजूद है हाँ नहीं लेकिन अभी तो थोड़ी सर्दियाँ आ रही होती ना जरा तो ज्यादा लोग शादी करते हैं हाँ अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती शॉपिंग की प्रॉब्लम क्या जोश में होते हैं जोश में होते हैं बड़े मौसम ठंडा है चलो भाई निपटा लो सबकी शादियाँ लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कि हाय वहाँ से ये खरीदे वहाँ से ये खरीदे तो सबके लिए खबर है कि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है शादी की शॉपिंग करना और ख्वारी करना तो इसीलिए आपके लिए ख़ास तौर पे 21 and 22 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर कराची में वेडिंग एक्सपो
कराची होने जा रहा है, जिसमें आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं अंडर वन रूफ. आपको हर तरह की शादी के हवाले से चीज़ों की शॉपिंग की जो है ना मौका फराहम होगा, चाहे वो ब्राइडल ड्रेसेस हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, एक्सेसरीज़ हों, बच्चों के कपड़े हों, बड़ों के कपड़े हों, वगैरह 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 सारा. क्योंकि ए आर वाई बी ग्लोबल, दुबई इस्लामिक बैंक और ओकेजन्स मिलकर करवाएंगे आप सबकी सहूलत से शादी. ए आर वाई बी ग्लोबल के स्टॉल पर आप जाइए, विज़िट करें, क्योंकि ए आर वाई सहूलत वॉलेट मेंबर बनने से आपको ख़रीदारी करने से मौका मिलेगा $1 डील वन टच रिवॉर्ड में पार्टिसिपेशन का, जिसमें आपको मिलेंगे ज़बरदस्त रिवॉर्ड. साथ ही मिलेगा आपको दुबई इस्लामिक बैंक से रिबा फ्री पर्सनल फाइनेंस, और शादी बनाएगी आपकी आसान. सो ये खबर मैंने आपको दे दी है, तैयार रहिए सैटरडे और संडे 21 और 22. हाय हाय मैं खुद ही भूल गई. एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 6 जाइए और ये सारी रिवॉर्ड्स वहाँ जाकर पाइए. हाँ जी, तो मेरे तरफ है, एक तरफ है मेरे तरफ ददियाल वाले और एक तरफ है ननिहाल वाले, और बड़े मज़े की एक्टिविटी मैं करने वाली हूँ. आप शायद पहुँच जाएंगे उसी एरा में जो आपके बचपन का एरा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुद ब खुद याद आ जाएंगी. स्क्रीन पर आपको सवालात दिखाए जाएंगे, आप लोगों ने बताना है कि ददियाल वाले या ननिहाल वाले. सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं ख़ानदान को लेकर. सो पहला सवाल दिखाइए स्क्रीन पे. नाराज होकर देर में कौन सी साइड जल्दी मान जाती है? चलिए सलमान आपसे शुरू करते हैं, ननिहाल वाले या ददियाल वाले, क्या लगता है आपको कि नाराज होते हैं किस साइड को मनाना ज्यादा आसान है, ददियाल या ननिहाल? हमसे तो ददियाल वाले बहुत ज्यादा नाराज. जिस तरह तुम कह रहे हो मुझे लग रहा है अभी भी नाराज है ना. लेकिन वो पता नहीं होता था किस बात पे नाराज है. अच्छा, हो गए अक्सर. अच्छा, तो आपको लगता है ददियाल वाले? हाँ, ददियाल. हाँ? फैजान आपको सेम है, ऐसे ही लगता है कि ददियाल वाले बिला वजह किसी बात पे नाराज हो जाते हैं. हाँ? और फिर रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ भाई रुबा, तुम्हें क्या लगता है कि ननिहाल वालों को मनाना ज्यादा आसान है या ननिहाल वालों? मुझे लगता है ननिहाल. ननिहाल को मनाना आसान, ननिहाल वालों को मनाना ज्यादा मुश्किल होता है. हाँ, अरे वाह. फहीमा तुम क्या कहती हो? मुझे भी लगता है कि ददियाल वाले ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और उनको फॉर नो रीजन नाराज ही रहते हैं. तो ननिहाल को नाराज, ननिहाल जो है उसको मनाना बड़ा आसान है और ददियाल को मनाना बहुत मुश्किल है. सो यहाँ जितने भी सारे सेलिब्रिटीज हैं सब ने सब एक तरफ हो चुके हैं. ये तो टाकरा खत्म ही हो गया ना. ननिहाल सब कह रहे नाराज ही नहीं हुआ हमारे. हाँ, सब कह रहे कि ननिहाल को मनाना आसान है, ददियाल को मनाना जरा सा मुश्किल है. जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, वो क्या कहती है, आइए सुनते हैं इधर. हाँ, ददियाल वाले. अरे वाह, फूफियां ना पूछे भाई. देखें, सही कहा ना हम लोगों ने. सही जवाब, सबकी तरफ पॉइंट गया. ओके जी, चलते दूसरे सवाल की तरफ. हाँ, किसको शादी ब्याह की खबर देर से दी जाए तो उसे बुरा लगता है? होता है ना कभी किसी के घर में शादी है, रिश्ता तय हुआ है और आपने ज़रा सा देर से बताया, मंगनी शंगनी होने के बाद इत्तला दी कि बात तय हो गई है और मंगनी इस दिन है, तो ददियाल या ननिहाल किसका मुंह बनता है कि यही तो कोई बात नहीं है, ददियाल हमें तो देर से बताया. ददियाल ददियाल क्या हम तुम्हारे अपने नहीं है, फला फला वगैरह सारी बातें सुन चुका हूँ. ददियाल. अरुबा तुम कह रही हो ददियाल, तुम क्या कह रही हो फहीमा? ददियाल. ददियाल, लेकिन इसमें ननिहाल को भी बुरा लग सकता है. ये तो पॉइंट है वैसे बुरा लगने वाला. तो आप जब आपके साथ ये हुआ तो कहाँ से ज्यादा बातें सुनने को मिली थी? मैं तो बातें सुनी नहीं, मैंने सब मांगे भाई पे डाल दिया. मैंने कहा इन्होंने किया, इन्होंने मेहमान बुलाया, इन्होंने करवाई थी शादी. मुझे खुद नहीं पता था, मुझे नहीं पता कुछ. हाँ, तो आप नहीं, लेकिन आपको कहा चिकवे ज्यादा किसने की, ननिहाल ने कि ददियाल? ददियाल ने किए होंगे. ददियाल ने किए होंगे. खुद अजम्पशन कर दी है.
थोड़े गुस्से में लग रहे थे वो. हाँ जी आप बताइए कहानी. अच्छा जो सवाल है ना कि खबर दी जाए हाँ. तो ननिहाल को खबर देनी नहीं पड़ती, वो इतने कनेक्टेड है ऑलरेडी हाँ. कि एक नॉर्मल सी बात, उनको हर बात पता है जो हाँ. है. बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ननिहाल साहब का ब्लड रिलेशन होता है. यू आर राइट, यू आर राइट. लेकिन वो डिस्टेंस भी होता है पता नहीं क्यों. फॉर सम मुझे लगता है कि वो सबको अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराना चाहिए. लेकिन ये कि खबर ददियाल में देनी पड़ती है हाँ. ननिहाल को खबर नहीं देनी पड़ती, इसका जवाब तो ये है. अच्छा तो सबका वही सांझा जवाब है. तुम लोगों ने शो रखा क्यों है ददियाल और ननिहाल? ननिहाल ही रख देते हैं, सारे सोफे यहीं कर दें हाँ. एक तरफ हो गए सब. हालांकि मैं वो चीजें बड़ी मिस करता हूँ, मेरी ज्यादा मेमोरीज ददियाल के कजिन्स के साथ हैं, क्योंकि हम सारे बहुत पिकनिक्स वगैरह पे जाया करते थे. क्योंकि मैं ननिहाल शुरू से पंजाब में रहा है हाँ. वो सब कराची के हैं तो मैं वो चीजें बहुत मिस करता हूँ हाँ. कि मिलना जुलना आना हाँ. सब हर संडे को सैटरडे को खाने अच्छा, बनते थे, बड़ा मजा आता था. अम्मी अबू के इंतकाल के बाद वैसे क्या आपको लगा डिफरेंस कि ज्यादा आप लोग का झुकाव ननिहाल की तरफ है या ददियाल की तरफ है? नहीं नहीं वो ननिहाल की तरफ ही शुरू से जो कुछ है वो इसीलिए मैं पूछूंगी आगे सवाल. अभी जो मैंने सवाल किया था अगर मुझे कोई कांटेक्ट करता तो ननिहाल से ही करता. अच्छा यहाँ फिर मैं भी कर लेता हूँ हाँ. तो ददियाल से कोई नहीं करता सिवाय एक मेरे चाचा का बेटे हैं हाँ. वो उनसे मेरा कांटेक्ट कनेक्शन है जी. तो पब्लिक क्या कहती है कि अगर रिश्ता तय हो जाए और देर से पता चले तो कौन ज्यादा माइंड करता है, ददियाल के ननिहाल? यहाँ तो सबका जवाब जो है वो ददियाल है कि वो थोड़ा माइंड करते हैं कि भाई हमें इत्तला ही नहीं दी, हमें पता ही नहीं चला. सो देखते हैं पब्लिक क्या कहती है. हमारी फैमिली ऐसी माइंड नहीं करती, पूरी शादी उनको मनाने में ही गुजर जाती है. अच्छा कभी किसी की शादी में कोई ऐसा सिनेरियो हुआ है कि ददियाल वाले ना कोई ददियाल में कोई भी चाचा पुपी कोई भी ऐसा कजन नाराज है और शादी में मनाना पड़ा उनको, कोई ऐसा सिनेरियो याद है? शादी थी हाँ? मुझे याद है बहन की शादी थी और उसमें भाई नाराज हो गए हुए थे सित्रा के अब्बू. अच्छा तो अब्बू जाके बड़ी बाजी जाके उनको मना के लेके आए कि नहीं आपने शादी अटेंड करनी है. अच्छा तो वो बड़ा मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि इन सबके कपड़े बनवाए थे और फिर वो सब पार्टिसिपेट किया था उन्होंने हाँ. तो एक बहुत जरूरी था कि उनके बगैर शादी नहीं होगी, नहीं हो सकती. इस तरह अब्बू ने बाजी ने कहा था कि नहीं अब्बू वो आएंगे और उनको मना के लेके आना है. तो भाई को भाभी को मना के लेके आए सब, तो मुझे आज भी याद है छोटी सी थी लेकिन वो मेमोरीज होती है ना जो आप हाँ. कहते हैं ना कि भूल नहीं सकते. पता नहीं खुशियां इनकम्प्लीट लगती हैं अगर कोई आपसे नाराज हो. आपको शादी में मैं कहती हूँ आपको सारे अपने चाहिए होते हैं हाँ, सब हाँ. अपने हो साथ हो सब एग्जैक्टली exactly, तो exactly. वो खुशी में कहती हूँ खुशी कंप्लीट होती है हाँ. वरना इनकम्प्लीट होती है, वरना पहले लगता है कोई कोई चीज मिसिंग है. कोई भी एक खानदान का फर्द नहीं होता. एक वो होता है कि ये मिसिंग है तो उसको भी मिस वो भी मिस कर रहा होता है, आप भी मिस कर रहे हो. अच्छा और पता नहीं ये कुदरती तौर पे चीज है, जिसके घर में शादी होती है ना उसका दिल इतना नर्म हो जाता है हाँ. जो खानदान की बातें होती है वो सब भुला देते कि बस वो सब शामिल हो जाए हमारी खुशी में, सब शामिल है ना. तो आप लोगों को कोई याद है कि कभी कोई खानदान में शादी हो और मना के लाए हो, कुछ याद है कोई दूर के रिश्तेदार ननिहाल हो कि ददियाल हो? इस तरह की सिचुएशन वैसे खानदान में आई नहीं. कुछ याद है सलमान? हाँ आपने तो अपनी शादी में हमें नहीं बुलाया, हम लोग नहीं आए. हुमायूं भाई पे डाल दो ये भी तुम हाँ. हम हमें नहीं बुलाया तुम बोले ये भी हुमायूं भाई ने किया. सारी गेम हुमायूं भाई ने. नहीं यार मेरी तो कोरोना था ना तो ज्यादा बुला ही नहीं सकते थे. मेरी शादी इसी चक्कर में लाहौर में ही हुई है, एक ही फंक्शन डेढ़ घंटे में फारिग. जब मैं उठा मिलने के लिए लोगों से तस्वीरें खिंचवा के तो उन्होंने लाइट्स बंद कर दी थी. इतना बोर हुआ मैं अपनी खुद की शादी और खाना भी नहीं अच्छा लगा मुझे. अच्छा जब मुझे भूख लग रही थी तो जब खाना आया तो वो कोई एक ही बिरयानी थी, कोई तनी कौन सी यार बहुत ही बुरी है कि जिसकी शादी होती है ना दूल्हा दुल्हन उनको कोई पूछता ही नहीं है स्पेशली खाना, वो बेचारे भूखे बैठे हुए. नहीं हमें तो छोड़ ही नहीं रहे में लगे हुए होते. दूल्हा दुल्हन को भी खिला दो जिनकी शादी है, जिनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है. मेरी अपनी शादी में हमें नहीं खिलाया खाना, वो इसलिए मैं शिकायत कर रही हूं. वो लाहौर में पंजाब में ना वन डिश का सिस्टम है अभी हां, तो वहां पे आप एक ही चीज रख सकते हो. कोर्ट में तो बहुत ज्यादा. फैजान आप लोगों की शादी में कभी हुआ कि आप लोग जितने जुड़े हुए हो पूरा खानदान डांस की प्रैक्टिस? कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को कोई नाराज हो गया मैं ये डांस नंबर करूंगी या जैसे ये होता है. बिल्कुल ये होता है तो हम उनको कहते हैं करें हाँ, मना नहीं करते हाँ. The more the merrier. अक्सर ऐसा होता है कुछ कजन्स होती हैं खालाएं होती हैं उनके बच्चे छोटे होते हैं वो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही होती, उनका दिल बहुत होता है. अच्छा हमारे बिल्कुल उल्टा हिसाब है, हम खुद चाहते हैं कि लोग पार्टिसिपेट करें. अच्छा और वो सब में इतना जज्बा होता है वाकई कि जब कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें सब शामिल हो
और जिम्मेदारी से शामिल हो तो वो हमारे यहाँ उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होती किसी को मना के लाना पड़े, ये नहीं करना पड़े। ये नहीं होता अल्लाह का शुक्र। क्या हो भाई, उठो उठो चलो मुझे तुमने उठाना नहीं, है उल्टा बिठाना पड़ रहा होता भाई, बिठाना पड़ जाए उठे बैठ जाए अभी मिलेगा मौका आपको। और मैं कहती हूँ कि खुशी में ना ये सबको पूछना नहीं चाहिए कि आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ, घर की खुशी आप सब खुद शामिल हो, पूछो क्या काम है मुझे क्या करना है, क्योंकि ये घर की खुशियां है, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, बस यहीं से को भूल भी गए तो वो भी आ जाए। हां खुद ही आ जाए। ओके भाई नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। कौन अम्मी को ज्यादा एहसास दिलाता है कि उसके साथ, अच्छा कौन अम्मी को ज्यादा एहसास दिलाता है, अच्छा अच्छा कौन अम्मी को एहसास दिलाता है खानदान में कि आपके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है खानदान में। अब ये तो ननियाल वाले ही होंगे। हाँ, हाँ। ये तो सवाल बड़ा, जिसने भी बनाया है उसको अपने ददियाल से बड़ी शिकायत है। और मुझे लगता है यूजुअली बेटियां बहुत एहसास दिलाती हैं आपके साथ ज्यादती हो रही है, अम्मी ये हुआ है वो हुआ है। हाँ, तो बेटियां थोड़ी सी क्लोज होती हैं तो वो माँ को क्या 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 बाबा भी दिलवाते हैं कभी दिखाते कि तुम्हारे भाई तुम्हारे मैके वालों ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे मेरे बाबा का तो है। हाँ, ये तो गलत बात है, उनको तो आना चाहिए था, हाँ। उन्होंने तो ये अच्छा नहीं किया, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी बहनों ने अच्छा नहीं किया। अच्छा तुम कह रही हो यहाँ के स्पाउस दिलाता है एहसास, कभी अम्मी भी दिलाती है कभी अब्बू भी दिलाते हैं, तुम कह रही हो बेटियां स्पेशली माँ को, माँ से वो बहुत क्लोज होती है, माँ के बारे में बहुत कंसर्न होती है, वो कहती है कि बस माँ के साथ ये ज्यादती हो रही है, अम्मी मैंने नोटिस किया है। So I think so. तो अच्छा जवाब ननियाल है ददियाल में नहीं दे, भाई कैसे दे ननियाल दे ददियाल में, ये तो कह रहे हैं कि तो ददियाल कैसे हुआ, अब्बू है ना अब्बू? तो अब्बू ददियाल हो गए, चलो तुम्हारा क्या हुआ ननियाल हो, ननियाल हो गया। हाँ हाँ आप बताएं भाई कौन अम्मी को, अम्मी को आपकी अम्मी को कौन एहसास दिलाता था। Exactly, मैं भी ये कहने वाला था मैं। वाओ ज्यादती हुई है, आपकी शादी अब्बू से नहीं होनी चाहिए थी। 25 साल का गैप है था। अच्छा कि वो ही बच्चे आ गए ना, बच्चे साथ आते, इसलिए तो आप अम्मा के चमचे होते थे फुल, छोटा वाला जो बेटा होता है ना। नॉट रियली, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया ना काफी, हाँ पहले से अब्बू से इतना डरते थे कुछ बोलते ही नहीं थे, जब चीजें समझ में आना शुरू हुई, जब मुझे पता चला कि ये मेंटल लेवल मैच होना चाहिए, इस तरह शादी होनी चाहिए, ये जब इतनी अक्ल आई तो फिर मैं उनको कहता था, अब्बू के सामने ही कहता था कि ये बहुत जुल्म हुआ है इनके साथ, ये शादी आपसे नहीं होनी चाहिए, आप 40 साल के थे वो 15 साल की थी। सही है आप बहुत फिट थे हैंडसम थे, लेकिन आपने भी कैसे कर लिया, मतलब आपकी तो बेटी लगती होगी, शी वाज टू यंग, मेंटालिटी मैच ही नहीं करती। और फिर एक बंदी पंजाब से सब कुछ छोड़ के आई हो, अकेली यहाँ पे रह रही हो, तो मैंने कहा यार आपको अच्छा, तो मतलब लाइक खानदान के थे, नहीं नहीं अरेंज मैरिज थी। हाँ अरेंज मैरिज, हाय अल्लाह। तो कहाँ देखा था अम्मी को? पता नहीं, मेरी फूफी जिनको हम दादी बोलते थे वो ढूंढ के लाई थी कहीं से। अरे बाप रे, आपकी अम्मी भी बड़ी प्यारी थी। बच्चे सब जाहिर है भाई, अब्बा अम्मा अच्छी शक्ल सूरत के, बच्चे प्यारे प्यारे निकले हैं। अच्छा भाई तो आपका क्या जवाब है? मेरा जवाब ये, अम्मी को से मेरी बहुत दोस्ती है। हाँ। कोई डिस्कशन हो रही होती है तो मैं अम्मी से बात करता हूँ। अच्छा हाँ, बड़ा ओपनली, इसमें कोई वो नहीं। तो अम्मी के जो कान भरने वाले हैं वो एक यहाँ यहाँ सलमान बेटे यहाँ भरी ना ले हम लोग कान, ये बेटी का बोल रहा है, ये दोनों भरी ना ले हम लोग कान। एहसास दिलाने वाले, अम्मी आपके साथ जाती हुई है कोई सही बात नहीं, लेकिन वो छोड़ती नहीं थी भाई अब्बू को, मैं उनको कहता था अमेरिका चले जाए, वो आमिर के पास चले जाए, वहाँ पे रह लें, नहीं नहीं तुम्हारे अब्बू कहते थे खुद चली जाओ भाई, खुद भेजना चाहते थे, कहते मैं ऐसी खुश हूँ, लेकिन वो नहीं जाती थी, उनको इतनी इतना ख्याल होता था। वो उस जमाने में कहते भी थे कि जो यंग लड़कियां हैं वो रंग में ढल जाती हैं जल्दी, इसलिए यही सोच होती थी कि छोटी उम्र की लड़की से शादी हो, क्योंकि वो रंग में ढल जाएगी खानदान की। अभी हम लोग 7 सिस्टर्स हैं माशाल्लाह, अभी लास्ट की शादी हुई है 6 अक्टूबर को, वो भी इतनी यंग एज में शादी कर देते 15 साल में जी, हाय अल्लाह। क्या हो रहा है, 16 की अभी 18 से पहले कर रहे हैं, तो जुल्म है वाकई माशाल्लाह। हम लोग कितने मैच्योर होते हैं, अपनी इस तरह शादी हुई है 16, हाय अल्लाह, तीन बच्चे माशाल्लाह से, 16 में शादी हुई है आपकी। आज का जमाना देखो जरा, और ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ती हूँ भाई, ये तो कुछ और हो रहा है, कोई और किताब खुल रही है। ये अलग शो है, ये अलग शो है। हाँ भाई दिखाएं भाई आंसर क्या है। ननियाल सगी बहने ही नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा, ननियाल वाले, ननियाल वाले। तो आप लोग ननियाल वाले ही हुए क्या? Yes. हुए अम्मी ननियाल वाले हुए ना, अम्मी के, अम्मी के बच्चे जो है वो अम्मी को एहसास दिला रहे, अम्मी आपके साथ ज्यादती हुई है, गलत हुआ। और वाकई
मैंने नोट किया है सारी उम्र अगर अम्मियाँ जो है सब मिसिव होती हैं और वो अपनी सास का या नंदों का सुन रही होती हैं, जवाब नहीं दे रही होती, तो बच्चे बड़े होते हैं ना तो बच्चे देखते हैं, मैं बच्चे एहसास दिलाते हैं कि मेरी अम्मी को कुछ रखो और अम्मी को स्ट्रांग बनाते हैं, अम्मी के लिए स्टैंड लेते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं कि नहीं भाई हमारी अम्मा को नहीं को, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो दोनों स्टैंड लेते हैं, अम्मा भी थोड़ी डांटी हो जाती है ना, स्पेशली बेटे जब उनके साथ देते हैं अम्मा भी डांटी हो जाती है, उसकी बच्चे वो स्टैंड ले तो स्टैंड हमें पड़ता हो, अम्मा ने ऊपर बैठे होते थे हमारे, बहुत डर लगता था भाई, माशाल्लाह सारे बेटे तो अब्बा को जरा गबरू होना पड़ता था क्या करें बेटों को काबू में रखने के लिए, फुल पहलवान फैमिली, बेटे काबू करना आसान काम नहीं है, और क्या मेरा बेटा मैं कहती हूँ उफ बहुत मुश्किल है, हाँ ये तो है बेटों का। ओके नेक्स्ट सवाल, अक्सर रिश्ते मांगने में किस तरफ झुकाव ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल जो लड़कों के रिश्ते मांगे जाते हैं वो ज्यादा ददियाल में मांगे जाते हैं या ननियाल में मांगे जाते हैं, ज्यादा झुकाव किस तरफ होता है, खानदान में अगर होता है ना, जैसे आई थिंक कजन मैरिजेस तो होनी भी नहीं चाहिए ना, वो तो है कुछ होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो जनरली बात कर रही हूँ कि झुकाव, ये थोड़ी कह रही हूँ कि होनी चाहिए, मैं तो ये कह ही नहीं रही, लेकिन ज्यादा झुकाव किस तरफ होता है, कहां से आते हैं ज्यादा किस तरह, ननियाल साइड पे होता है, ननियाल ना, क्योंकि खाला की बेटी से शादी अक्सर होती है, खाला मामू की बेटी, खाला की बेटी, तो झुकाव चलता है ननियाल, मेरी अम्मी भी जाती है ननियाल, मेरी भी खाला हूं, हमारे ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है खानदान के बच्चे, हां ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि खानदान में सीन नहीं हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर दोनों तरफ मौजूद हो, हां अगर ऑप्शन कोई हो तब, मुझे लगता है झुकाव तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन कंसर्न मैं कह सकता हूं, जैसे मेरी जो खाला है अम्मी की बड़ी बहन, वो हमारे सबसे बड़ी है वैसे भी, तो शी इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट एवरीबॉडीज वेडिंग कि भाई ये लोग सेटल हो जाएं ये वो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जी रिश्ता आ रहा है या इसकी उससे करा दो, ऐसा ऐसा नहीं होता, शी इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट इट, कंसर्न की बात सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि अगर आपका बेटा है और ननियाल में भी लड़कियां हैं ददियाल में भी लड़कियां हैं, तो रिश्ता ज्यादातर झुकाव किस तरफ भेजने का होता है, आई थिंक ननियाल, ननियाल ननियाल है, अम्माएं चाहती हैं बच्चों की शादी, अब्बा को तो नहीं इतनी पड़ी होती, अम्मा ज्यादा कंसर्न, वो उनकी ज्यादा क्लोज जिससे हैं वो अपनी बहनों से ही होंगी, तो ये मेरी अम्मी भी चाहती थी खाला की बेटी से लेकिन वो जिससे चाहती थी कहते वो आप जैसी लगती है बिल्कुल सिद्रा की जो अम्मी है वो मेरी खाला की बेटी है, अच्छा तो खाला की बेटी से शादी हुई भी है, अभी मेरी बहन की एक जगह बेटी, उसने अपनी बहन दूसरी बहन की बेटी ली है, भांजी से शादी हुई है, सबका जवाब बेसिकली ननियाल ही है, देखिए भाई जनरल पब्लिक क्या कहती है, ददियाल वाले है? मालूम होता है फूफियों को कि भाई है मना नहीं करेगा, ये मेरे ख्याल से अब तो ये नहीं होता, होता है तो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक ऐसा होता है, आई डोंट थिंक, ये सब में वही ना एक बड़ा स्टीरियोटाइप बन गया कि फूफियां जो है ना वो बस कोई बहुत ही कोई विच टाइप कैरेक्टर है, हां जो कहते हैं इट्स नॉट वेरी ट्रू, आई एग्री, हां ट्रू, ओके वैसे उनका कहना भी गलत नहीं है अक्सर, अगर फूफी जो है वो जरा सा भी अपने भाई के कान में बात डाल दे, अगर उनकी बेटी है या बेटा है, सो थोड़े मान होता है भाइयों का, मतलब बहनों को मान होता है भाइयों पे कि वो मना नहीं करेंगे, सो एक तरह से दोनों ही जवाब दुरुस्त है, दोनों साइड पे ही मान होता है ना, बहन की साइड पे भी, और बिल्कुल अल्लाह कितना मजा आ रहा है आज के शो में मुझे, बचपन में वापस चली गई, थोड़ा सा ब्रेक, फूफी की बेटी से हुई है, हां शादी भी हो गई तुम्हारे तो लड़कों की भी छोटी उम्रों में शादियां हो जाती है, है ना, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं फिर आए ननियाल ददियाल खेलते हैं, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इतने मजे का कोई वो एक वो होता है ना, यादें ताज़ा हो गई हैं खानदान वालों की, और ये ननियाल हो या ददियाल हो, इन सबका हमेशा कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी होता है, आप कभी अपने आप को अकेला नहीं फील करते, सो आई कुछ किस्से आप लोगों के शेयर करते हैं जो आप लोगों से पूछे हैं मेरी टीम ने, और पहला किसका है किस्सा दिखाएं जरा, पिच पे पिटाई फैजान, यस ये क्या हुआ था, पिच पे किसकी पिटाई, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है इस मामले में कि बच्चों को, अब तो खैर बच्चे बाहर जाके खेलते नहीं है अनफॉर्चुनेटली, सब वीडियो गेमिंग्स पे लग गए, लेकिन हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो बड़ी बड़ी लेटर स्टेज में मुझे इजाजत मिली कि हम बाहर जाके खेल सकते, अच्छा वरना हम घर में ही खेलते थे, अराउंड 15-16 में जाके इजाजत मिली कि आप ग्राउंड में जाके खेलें, लेकिन उस पर पाबंदी ये थी कि मगरिब के वक्त आपको घर में होना है वापस आना, अब वो मैच किसी तरह सीरियस हो गया, थोड़ा डिले हो गया या शायद मैच ज़्यादा टू द वायर चला गया, तो हम लेट हो गए, तो अम्मी ने ग्राउंड में एंट्री दी पूरी बैकग्राउंड स्कोर के साथ,
और पिटे सारे भाई पिच पे कजन्स भाई सब, सब। और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद जो दोस्त वहाँ पे मौजूद थे ना वो भी अम्मी से उतना ही डरते हैं जितने हम डरते हैं आज तक। तो वो उन्होंने कहा कि ये एक ही दफा मैं कर दूँ सीन, तो बहुत जरूरी था। अम्मी ने सिर्फ आपकी पिटाई की, कजन्स की भी पिटाई हुई है? जितने वहाँ मौजूद थे ना मेरे भाई बड़े भाई छोटे भाई सब सब लाइन में खड़े हो गए। बहुत जरूरी था वो। उसके बाद ये नहीं हुआ कि कभी मगरिब हुई और हम घर में ना। वाकई ये कितना एक होता था एक जमाने में जी बिल्कुल, इतने बजे ये कर्फ्यू टाइम है। एग्जैक्टली मगरिब कर्फ्यू टाइम था कि इतने बजे घर में ना एंटर हो जाना। देखिए आप बेसिकली डिसिप्लिन सिखाते हैं, डिसिप्लिन पास ऑन करते हैं। तो हमें डिसिप्लिन इस तरह मिला, फिर हमने हम आगे ऐसे पास ऑन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई। अब फिर एक सर्टेन टाइम होता है जब आप जॉब वॉब पे होते, फिर अम्मा अब्बा समझ जाते हैं जब हमारा बच्चा जो है हमने भाई सही उसको बता दिया क्या अच्छा है क्या बुरा, सिखा दिया उसको। दिखाइए भाई नेक्स्ट किस्सा, एक्टिंग का शौक है सलमान, ये क्या किस्सा है? खुद ही तो नहीं भूल गए? नहीं नहीं, ये इसका हुआ था। अच्छा। ये जब आया था मेरे पास कोई 5-6 साल पहले। हाँ। वो भी एक अलग किस्सा है कि घर वालों को बताए बगैर ही आ गया था। हाँ। ये कराची पहुंच गया, सरगोधा में रह रहे थे। ओके। और ये ऐसे ही घर से ऐसी इसी तरह दोस्त के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बोला चलो कराची चलते हैं, ये बाय रोड कराची आ गए। और 3 दिन से गायब, और घर वाले कह रहे हैं भाई आजा तू, कहाँ है लाहौर गया हुआ है, कहाँ किधर है आ जाओ। तो ये कहता नहीं मैं कराची में हूँ, तो यकीन ही नहीं कर रहे थे। इसके अब्बा बाहर होते हैं, फ़ोन किया उन्होंने, फ़ोन काट दिया, तुम बकवास नहीं करो जाओ घर पे जाके कॉल करो जल्दी अम्मी के पास जाओ, तुम 3 दिन से नहीं गए। खैर ये मेरे पास आ गया और फिर ये मेरे साथ शूट्स पर जाया करता था। ओके। पूरा पूरा दिन मेरे साथ होता था वहाँ पर, तो तब था अभी थोड़ा स्लिम, तो उसको डायरेक्टर ने बोला कि आपको करनी है एक्टिंग। हाँ। तो था पप्पू सा, तो उसने बोला हाँ हाँ बड़ा शौक मुझे आ गई एक्टिंग, पंजाब के लोगों को होता भी ओवर कॉन्फिडेंस है खुद पे। हाँ। तो हाँ, तो जैसे ही वो कैमरा घुमा तो पसीने छूट गए। तो 2-3 दफा तो मुझसे आई थिंक ट्राई करवाई थी लेकिन मुझसे नहीं हुआ कि भाई मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा चाहिए इसमें, तो बिल्कुल ये नहीं हुआ मुझसे, नहीं हुआ। फिर का क्या जरूरत है, पतला रहो, मैं तो अपना खाऊं पियो है, वजन आ जाए तो फिर इंसान को फिर और मुश्किल लगती है, फिर पता चलता है कि काम कितना मुश्किल है। लेकिन नहीं आती ना उनको, बड़ा आसान लगता है टीवी पे देखते हैं, ये तो लग नहीं रहा आप एक्टिंग कर रहे हो। हाँ। तो भाई ये तारीफ कर रहे हो एक्चुअली आप मेरी कि मैं लग नहीं रहा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो ये सीन हुआ था। अच्छा, जैसे इनके अलावा और भी खानदान में किसी को शौक है, लाइक आपके भाइयों के अलावा और किसी को है खानदान में शौक जिसने ट्राई किया हो? नहीं, कोई लड़की ऐसी कजन है किसी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे भी एक्टिंग कराए? आई थिंक ददियाल में मेरी एक कज़न थी, जब शुरू में हमारे भाई पहला ड्रामा कर रहे थे तो उन्होंने भी कुछ सीन्स किए थे उस ड्रामे में। अच्छा। उसके बाद नहीं किया, उसके बाद नहीं। खानदान में बस यही घराना है जो बस उन्होंने बोला सारे हीरो एक ही घर में पैदा। दिखाओ भाई नेक्स्ट किस्सा, क्या क्लास में स्पेशल जूस? अरूबा ये क्या है किस्सा, क्लास में स्पेशल जूस? अच्छा, तो चक्कर ये था कि मैं और ये सेम स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। तो मैं जो है जूनियर क्लास में था और शी वाज इन द सीनियर क्लास। हाँ। तो हुआ क्या कि एक दिन कोई बड़ा स्पेशल सा कुछ जूस बना के लेकर आई। अच्छा। और ये सीधा मेरी क्लास के अंदर आ गई और क्लास में टीचर से बस कहा कि मैंने अपने भाई से कोई बात करनी है, स्पेशल वो जूस ला के मुझे लेकर आई मेरे लिए, ये जूस पियो देखो ये मुझे मम्मा ने बना के दिया है। हाँ। और पूरा क्लास का डेकोरम खराब कर दिया पूरा। टीचर कह रही है ये क्या चल रहा है, आप कहाँ से उठ के, ये कहाँ से आप उठ के घर घर खेल रहे हो क्या? ये मेरे ख्याल में 2 क्लास में थी और मैं 1 क्लास में तेरी। तो इनको होता था कि कुछ नई चीज मैंने ट्राई किया तो चलो मुनीब को भी फटाफट ट्राई, मतलब कि क्लास में घुस गई, क्लास में घुस गई। और वो डांटा नहीं पर टीचर ने? टीचर ने बाद में डांटा कि ये क्या, बाद में डांट पड़ी उन्होंने, इनकी टीचर ने शिकायत की कि आपने ये मेरे ख्याल में वॉशरूम का बहाना करा के निकली थी, क्या करके निकली थी, तो ये यहाँ तक कहाँ पहुंची है यार, क्या दिन होते थे वैसे वाकई। दिखाओ भाई नेक्स्ट किस्सा, शादी में डाकू, अरे बाप रे फहीमा। हाँ। ये क्या हुआ यार, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही शादी हुई, बल्कि दिस जनवरी शादी हुई है, हम लोग भांजे की शादी थी। हाँ। भांजे और भांजी की शादी थी। हाँ। कजन मैरिज, तो उसमें हम लोग आराम बैठे हुए, किसी बच्चे की किसी से लड़ाई हो गई बाहर। अच्छा। तो वो लड़का उस एरिया का गुंडा था, मतलब वो डाकू, सुना था कि ये डाकू, वो अंदर आके कौन
भाई वो लड़का गंज लेकर आ गया। अरे बाप रे। और मैं तो दूल्हे के साथ बैठी हुई थी, दूल्हा मेरा भांजा, उसकी बहुत मुश्किल से वो शादी हो रही थी, मुश्किल से उसको वो दुल्हन मिल रही थी और अभी निकाह होना था और वो कह रहा उसने भी रखी हुई थी, उसने कहा कि मैं जाता हूँ, मैंने कहा तुम उठे ना, तुम तो नहीं उठना, तुम नहीं उठ। अब वो एक अजीब सा लड़के यहाँ से भी गंज लेके निकल आया है, वो भी गंज लेके मार कुटास हो रही है, छोटे अब अल्लाह अल्लाह करके शादी तय हुई है, अल्लाह अल्लाह करके शादी हुई है और फिर इस तरह का मैंने कहा अल्लाह शादी दूल्हे को तो नहीं जाने दिया, तुम नहीं हुए लोगे यहाँ से, शादी वादी हो गई फिर, शादी हो गई फिर वो वहाँ से निकाला, कॉल फौरन कर दी इमरजेंसी, वहाँ पे जो पुलिस थी उसको बुला लिया, पुलिस जैसी आई वो फौरन भाग गए, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, पूरा खानदान जमा था, पूरा खानदान जमा था, जान निकल गया। फिर उसके एंड में क्या हुआ निदा, सारे मुझे छोड़ के चले गए। क्या मतलब? मतलब सारे वहाँ से जब बारात लेके निकले तो सबने को जल्दी जल्दी चलो इससे पहले वो लोग दोबारा आ जाए, और वो मुझे ले जाना भूल गए। और मैं बोल रही हूँ ये सारे काम मैं कहीं कोने में गई होंगी, वॉशरूम गई होंगी, मैं वापस आई हूँ, सारी गाड़ियाँ गई, कोई नहीं है, मैंने कहा मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं, तुम लोग सारे कहाँ चले गए हो? माशाल्लाह कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम लोग 12 बहन भाई, तो जाहिर है फिर बनता है, छोड़ो मैंने शरारा पहना हुआ है, मैं लालो लाल पूरी तैयार, अब मेरा एक भांजा खड़ा हुआ है जो मोटर बाइक पे, कह रहा साला यही है मेरे पास, मैंने कहा मोटर बाइक पे इतनी सर्दी, मैंने कहा चलो बेटा अब तो ऑप्शन नहीं, यहाँ से भागना ही है, मैं मोटरसाइकिल पे ऐसे ही बैठे शरारा मैंने उठाया हुआ है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं मेरे रास्ते में, लोग समझ रहे होंगे भगा के लेके जा रहे हैं, सब मुझे गौर गौर से देख रहे हैं ना कि ये क्या ये जा रही है, ये दिला नहीं बनी हुई थी, टीका भी लगाया हुआ था मैंने, पूरा पूरी तैयारी थी मेरी, उस तैयारी में मोटरसाइकिल पे जा रही हूँ, अल्लाह ताला मैंने आज क्या पूरा अटेंडेंस होती होगी बेटा खानदान में, ईद है या बकरा ईद है, यही वो किस्सा ऐसे बचपन में भी हुआ था कि हम कहीं शादी से छोटी सी 4 साल की थी तब भी सब मुझे भूल गए थे, तब भी सब ये आपके लिए इशारा था असल में, आप समझी नहीं दो दफा उन्होंने इशारा दिया लेकिन आप फिर बाइक पे चली जाती हैं, इमेजिन मतलब इतने सालों पहले वो हुआ कि जब छोटी सी भूल के भाई मुझे घूम जाती थी, अब्बू बताते हैं घूम जाती थी ये लोग भाई गायब, फिर अब्बू कहाँ से ढूंढते हुए लेके आते थे, अक्सर वो ये बातें बताते हैं, थी भी थोड़ी सीधी सी थी, बहुत मासूम सी, अब्बू बताते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, थोड़ी बहुत तो शरारतें सभी करते हैं लेकिन इनका यही सुना है कि लेकिन यार इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि कहीं खो ही जाओ, थोड़ी सी लॉस्ट होती थी मैं कि लॉस्ट वर्ल्ड में हूं ना, दो दफा तो मम्मी घुमा के ले, मम्मी कहती फहीमा आ जाओ जाना है, मैं कहा अच्छा मम्मी जाना है, वैसे हर खानदान में कोई ना कोई बच्चा होता है जो घूमता है, नहीं ये एक रिकॉर्ड होता है कि ये बहुत दफा घूम चुका है, जैसे ये आपके खानदान में यही होंगे चले जाते होंगे, तो खुद ही इस तरह हुआ ना कि मैं कुवैत में घूम गया, तो कुवैत में भी घूम गए, अब वहां से मैं घर से निकलता खेलता खेलता फुटबॉल तो मुझे पुलिस ने उठा लिया और स्टेशन ले गया मुझे, तो मेरे अब्बू को पता लगा, वो भागते घर आए, वो किधर है वो ढूंढते ढूंढते, वो तो उन्हें पता था कि पुलिस स्टेशन जाता हूँ, अब मैं पुलिस स्टेशन वहां पे बैठा हुआ उनसे कुछ चीजें खा रहा हूँ, वो कहते हैं ये आपके अब्बू है, इनकी माँ लेके आओ, ये इसके बगैर हम नहीं दे सकते, मना कर दिया ना, मतलब खा रहा था चीजें और मैं खुश था उधर, वो मुझे खिला रहे थे चीजें ये लेफ्ट राइट, तो फिर वो पासपोर्ट लेके आए अम्मा जी का, फिर उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा जो आप जाओ और नेक्स्ट ध्यान मतलब खानदान में होता है कोई यहाँ इस खानदान में है घूमने वाला नहीं, हमारे शुरू में इतनी पिटाई हो जाती है सख्त रखा होता है, मजाल ही नहीं है, मजाल ही नहीं है, सख्त है सब, मुझे हुमायूं भाई एक दफा मस्जिद में छोड़ के आ गए नमाज पढ़ने साथ लेके गए, वापसी खुद ही आ गए घर, भूल गए, अम्मी ने बोला वो सलमान किधर है, तो वो मैं तो भूल गया उसे, फिर वो बेचारी अम्मी भागती हुई आए दोबारा से मस्जिद में लेना, तो मैं आराम से अब्बू के साथ, मुझे पता था अब्बू सबसे आगे वाली सफ में नमाज पढ़ते हैं, तो मैं खुद ही मैंने बोला ये तो खुद ही मैनेज कर लिया, खुद ही मैनेज कर जाके उनके पास बैठ गया था हम कभी भी ऐसे कभी भी जाते थे तो हमें अक्सर जो है वो हमें बड़े कह देते थे कि अभी कभी भी गुम जाए आप तो गाड़ी के पास आ जाइएगा, ये होता है कि ये है घूमने वाला, जरूर आऊं मीटिंग स्पॉट, मीटिंग स्पॉट, तुम लोगों के खानदान में है कोई घूमने वाला, हर वक्त ही घूम जाता है हर जगह घूमने वाला नहीं, नहीं घूमने वाला नहीं, मैं ही घूम गई थी, तुम कहाँ घूमी हो? बचपन में, मैं छोटी सी थी और खेलने के लिए गई, और दोपहर का वक्त आपको पता है इस्लामाबाद में तो होता है कि सन्नाटा होता है, और
मैं गई हूँ और जाकर झूले पे एक बच्ची के साथ खेल रही हूँ, हाँ। मुझे अपने घर लेके उसी घर चली गई और यहाँ मस्जिद में ऐलान हो रहा है, ठीक है मामा रो रही हैं, इसकी मामा रो रही हैं, ये रो रहा है, सब रो रहे हैं, अरुबा कहाँ चली गई है, अरुबा उसके घर में जाके और मैं बैठी हुई टीवी उसके साथ देख रही हूँ और वो उनके घर में कोई आता कहते हैं पता नहीं बाहर ना कोई बच्ची खो गई है, मोटी सी है, गाल में उसके तिल है। उनकी अम्मी कहती हैं अच्छा किस कलर के कपड़े पहने, पिंक कलर की फ्रॉक पहनी है, कहती है बच्ची अंदर ही बैठी हुई है इस तरह की। वो जब गए उन्होंने कहा अरे यही तो बच्ची बोलेगी, फिर जब मामा से ऐसी डांट पड़ी वो बेचारी मां मस्जिद में ऐलान हो रहा है, रो रही है, बाबा ऑफिस से आ गए, अल्लाह अरुबा खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। फोन नहीं होते थे ना उस वक्त, फोन नहीं होता था। अब घूमने के लिए हमें अपना फोन बंद करना पड़ता, फिर बोलते हैं बेसमेंट में थे। शादी से रेस्टोरेंट जाना, ये बेसिकली हम सब एक शादी में गए और वहाँ बिल्कुल खाना समझ में नहीं आया किसी को भी, तैयार होके जाओ और घर जाके दाल चावल, यहाँ खाना अलाउ भी था लेकिन अच्छा नहीं था, पसंद नहीं आया, तो म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि रेस्टोरेंट चलते। हम तो एक खानदान की शादी में गए थे, वहाँ खाना जो है कम पड़ गया और मैंने ऑन एयर बोल दिया और पूरा खानदान को पता चल गया, मैं दोबारा बोल रही हूं शादी की बात हो रही है। हाँ, और मेरी जो बात लगी है कि वो आ रहे हैं अभी, तुमने उनकी शादी का जिक्र जो है वो टीवी पे कर दिया, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा मेरा नाम तो नहीं लिया, कह लेंगे खानदान में तो पता है किसकी शादी में खाना चोरी हुआ था। अरे भाई मैं तो हाँ मैं बाद में बताऊंगी, चौपनी बताऊंगी, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, टीम पुरुष ही बताए, मैंने कहा नहीं बताऊंगी, ऐसा मेरे साथ हुआ था अभी रिसेंटली, बल्कि आप भी थी, हम एक जगह ये जो नया चाइनीज नहीं खुला कुछ, जो खुद ही बनाते हैं खुद ही खाते हैं, हॉट पॉट, वो तो मुझे समझ नहीं आया, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने गए थे। ये किससे समझ आता है, मुझे नहीं समझ आता, मैं अच्छा मुझे भी नहीं सुना है, कुछ लोग उसकी आदत लग जाए, पता नहीं मुझे भी समझ नहीं आता, ऐसा लग रहा था मैं किसी गेम शो में आया, मैं ना वो चार चार बैठ गए, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे हम, तो वो बस एक ही थी खातून, वो हमें बना के दे रही थी और मुझे बिल्कुल मजे का नहीं लग रहा था, तो मैं तो उसके बाद फिर निकल के गया था, मुझे वहां से फेक ही चीज अच्छी लगी, मैं और सऊद भाई और जवेरिया हम लोग सारे सामने बर्गर खाने मेरा देवर भी था, वो कहने लगा कि हाँ ये समझ नहीं आ रहा क्या खा रहे, बहुत सारे लोगों को हॉटपॉट समझ नहीं आ रहा ये। अच्छा हर खानदान का ना कोई मशहूर खाना भी होता है कि ये एक तो फेवरेट भी होता है और कोई बहुत अच्छा बनाता है, आपके खानदान का मशहूर खाना क्या है? पुलाव हर फ्राइडे को हमारे घर में पुलाव और आलू गोश्त बनता है लाजमी, और वो किसके हाथ का फेवरेट होता है? इसकी मतलब आपकी अम्मी के हाथ। ओके, तुम्हारे खानदान का फेवरेट खाना कौन सा है? कोफ्ते पसंदे, अचामी कबाब, ये बहुत मशहूर है, ये मशहूर है। आप लोगों के खानदान का? बिरयानी, आलू गोश्त, हाँ। ये और कौन कौन एक्सपर्ट है उसमें? अम्मी बनाती थी, आपकी अम्मी जबरदस्त। ओए होए, आपके खानदान को कोई मशहूर? हमारे यहाँ तो पाए मशहूर है, पाए, और खाला हमारी बनाती है पाए, हाँ। और मेरी अम्मी बनाती है मछली की बिरयानी, मछली की बिरयानी, जब वो बनता है तो फिर कुछ और नहीं बनता, कुछ और ये मशहूर है ना, मशहूर नहीं कि हर खानदान का एक होता था, जैसे मेरे घर भी मेरी अम्मी के भात के पाए, अच्छा वो मशहूर होते थे, पाए बहुत शौक से लोग खाते, हलीम, खानदान का हलीम होता था भाई के हाँ जी हलीम खाने जाना है, तो ये एक बहुत ही चीज है। हाँ भाई अगला किस्सा किसका है? होटल का बिल, ये क्या है कहानी सलमान? उन्होंने पहले मुंह छुपा लिया, क्या सीन है ये? जो एक्टिंग के वाक्य से पहले जो किस तरह वो कराची पहुंच गए, अब मुझे भी नहीं पता, अभी जिस दोस्त के साथ आए थे उसने अचानक इसको बोला यार मैं आता हूँ काम से जा रहा हूँ, वो भी काम जिस तरह ये अपने घर से निकला था वो भी इसको छोड़ के निकल गया, दुबई निकल गया, वो दुबई चला गया इसको बताया बगैर, और वो अगले कोई दो तीन दिन तक नहीं आया, अब ये उस होटल में रह रहा है। अब इसको पता है कि अब तो जाते हुए सारा बिल भी मैंने देना है और सब कुछ, और ये कपड़े ऐसे शॉर्ट्स और चप्पल में सरगोधा से उठ के कराची आ गए थे, कोई सामान नहीं इनके पास, फिर इन्होंने मुझे फोन किया कि मैं तो ऐसे आ गया हूँ बगैर पर्स वर्स, मैंने कहा तुम पागल हो, हाँ वो पैसे वैसे भी खत्म हो गए थे जो लाया था, क्योंकि इनको दो तीन दिन बाद वापस जाना था ना, हाँ। उसकी वजह से और स्टे करना पड़ गया इसको, तो वो चला गया दुबई,
उसकी कॉल आई मुझे, मैंने कहा अच्छा तो पैसे हैं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ चप्पल और शॉर्ट्स और टी शर्ट में हूँ। मैंने कहा बस ऐसे ही निकल वॉक करता हुआ ठीक है, और नीचे से कोई टैक्सी पकड़ो। मैंने उसको अपना एड्रेस दिया और फिर कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, टैक्सी का रेंट तो मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। कहता होटल, मैंने कहा होटल को बाय बाय करो, आज तक ढूंढ रहे हैं इसको, ये है वो बंदा। यही है यही है यही है यही है। तो 5-6 दिन का रेंट भी ड्यू और ये फिर सीधा मेरे पास आ गया। फिर 3 महीने रहा, फिर इसके घर वालों को मैंने कॉल की और फिर तस्वीर की, भैया मेरे पास ये ऐसा क्यों करता है, क्यों करते हो भाई ऐसा? नहीं क्यों किया था, 5-6 साल होगा तो बहुत इमेच्योर होगा। अच्छा अब तो नहीं करते, अब तो बिल्कुल, अब तो शादी भी शुदा हो, पैसे तो नहीं चले जाते हो कहीं भी। नहीं नहीं अब ज्यादा के बनता आप है करना। नहीं अब मैं बड़ा सीरियस हूं, बीवी को बताकर आए हो कि वो लाइव दिखा रहे, ये तो यहां बैठे नहीं नहीं बता गया हूं, देख रही है, देख रही है ना। वैसे अभी मैं लाहौर गया था पिछले हफ्ते, उसमें भी 3 दिन मेरे साथ था, सुबह 6-6 बजे तक। हाँ। कह रहा था भाई तू बता के आया ना, बीवी छोड़ के से रही है तुझे, मेरी तो 2 बजे के बाद घर लॉक कर देती है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, फिर किस्से सुनेंगे ननियाल और ददियाल के किस्से। गुड मॉर्निंग, सहूलत से शादी, द वेडिंग एक्सपो कराची में ARYB ग्लोबल के स्टॉल तशरीफ लाएं और सहूलत से शादी की शॉपिंग करें। ARY सहूलत वॉलेट मेंबर बने और हमारे बिजनेस सक्सेस पार्टनर से शादी की खरीदारी करके 80% सेव गोल्ड करें। बिजनेस सक्सेस पार्टनर्स, इवेंट बाय इवेंट पार्टनर, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। सहूलत से शादी, सहूलत से शादी बिल्कुल 21st and 22nd October को एक्सपो सेंटर कराची में आप जाइए और जाके हॉल नंबर 6 में जो ARY का स्टॉल है ग्लोबल बी, ARYB ग्लोबल के स्टॉल पे जाइए, वहाँ अंडर वन रूफ आपको आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि आप सहूलत से अपनी शादी की शॉपिंग कर सकेंगे। ब्राइडल कपड़े हो, फर्नीचर हो, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी हो, हनीमून पैकेजेस हो, फर्नीचर हो, ये सब आपको अंडर वन रूफ मिलेगा क्योंकि ARYB ग्लोबल, दुबई इस्लामिक बैंक और ओकेजन्स मिल के करवाएंगे आपकी सहूलत से शादी। ARYB ग्लोबल के स्टॉल पर आप विज़िट करें क्योंकि वहाँ अगर आप ARY सहूलत मेंबर बनेंगे तो आपको मिलेगा, और ख़रीदारी करेंगे तो आपको मिलेगा $1 डील, 1 टच रिवॉर्ड में पार्टिसिपेशन का मौका, आप गोल्ड सेव कर सकते हैं 80% और दुबई इस्लामिक बैंक से रिबा फ्री पर्सनल फाइनेंस लोन भी हासिल कर सकते हैं। सो हॉल नंबर 6 21st and 22nd October को रिमाइंड करा रही हूँ आपको, जाइए और करें सहूलत से शादी। मेरे पास आज का टॉपिक है ननियाल और ददियाल और यहाँ सारे सेलिब्रिटीज़ अपने उन कज़न्स के साथ मौजूद हैं जो जिनका ताल्लुक ददियाल से भी है, जिनका ताल्लुक ननियाल से भी है। और मैं किससे नहीं, मैं वो करूँगी जो हमने तय किया था। क्या किया था? हाँ अच्छा, हमने सेलिब्रिटीज़ से सवालात पूछ लिए हैं, अब देखना ये कि उनके कज़न्स उनको कितने अच्छे से बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ठीक है अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, बारी बारी पूछती हूँ ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। अक्सर इनकी अम्मी क्या शिकायत, उनको क्या शिकायत होती थी अपनी बेटी से, अक्सर सोच के बताएं। बचपन में या इनकी अभी इनकी ताई हुई ना? नहीं चाची, चाची हुई बचपन में। बचपन में रूबा की अम्मी को इनसे शिकायत क्या रहती थी, अम्मी को या घर वालों को, सोचें। शरारती थी, शरारती और, थी। और थोड़ी सी और बड़ी हुई तो जब खुद कमाने लगी तो हाँ, खुद कमाने लगी तो हाथ पे कोई मतलब पैसों पे कंट्रोल नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब, फजूल खर्च। अभी भी ऐसी हूँ, मुझे बस होता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है तो वो मैंने खाना है, जो मुझे कहीं जाना है तो मैंने जाना है, मुझे नहीं होता मेरे लिए फजूल खर्च नहीं होता, वो उनको लगता है कि फजूल खर्च है। यही सवाल चलो मैं यहाँ पे करती हूँ, तुम्हारी दादी हुई और इनकी अम्मा हुई, क्या शिकायत रहती थी फहीमा की तरफ से? वो अक्सर यही होती थी कि खाना खा लें टाइम से। हाँ अक्सर ये खाना नहीं खाती थी टाइम से,
और मतलब बिजी रहना, वो तो वो ये कहती थी कि पहले बेटा खाना खा ले। और खाने के अलावा कोई और भी तो होगी? शरारतों में बस ये कि इतनी ज़्यादा ये शरारती तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत तो शरारतें सभी करते हैं, तो वही शरारतों पे थोड़ा बहुत डांटती थी वो मेरे सामने, यही बिटिया बिटिया करके। अम्मा बहुत सफाई पसंद थी, सफाई पर डांट पिटती थी, सफाई पर डांट पिटती और देर से सो के उठने पे। सफाई में अम्मी क्रेजी हो जाती थी, है ना, क्रेजी। अभी तुम्हारी भतीजी को पता नहीं है, मैंने बता दिया और सबको भी बता दिया। हाँ भाई, यहाँ पे बताया इनकी अम्मा को इनसे क्या शिकायत होती? इतनी खास तो हुई, कोई तो होगी थोड़ी बहुत। क्या लगता है क्या होगी, मुझसे किस बात पे नाराज हुई होंगी या होती होंगी अक्सर लेट आने से? ओहो, सही जवाब भाई, सही पता है भाई उसको। यहाँ पे क्या कहानी है, इनकी अम्मा इनसे क्यों नाराज होती है भाई? आपकी खाला नहीं, मेरी तो फूफी हूँ। अच्छा, आपकी फूफी हूँ? अरे हाँ, मामू की बेटी। मामू की बेटी, हाँ हाँ। तो इनसे मुझे लगता है कि क्योंकि ये मेरे से 8 साल बड़े हैं, तो बार बताएगा, हाँ बार बार बताता रहेगा। तो इनको खाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था कि वो हर चीज़ नहीं खाता, मैं हर चीज़ नहीं खाता, नखरे खाने में बहुत डांट पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है कि आज ये बनाए तो ये खाना है। हाँ। और इनका हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं ये नहीं खाता। अच्छा, बहुत चीज़ें नहीं खाता, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, नहीं अगर जैसे ऐसा हुआ है तो क्या अम्मा ने फिर आपकी फरमाइश पूरी की है या आपको खाना ही पड़ा या भूखे सोए हैं? कोई कभी नहीं है फरमाइश पूरी करने की, कभी नहीं फरमाइश है, यही है, यही है। अच्छा, और अभी तक आदत है कि नखरे हैं खाने? अब ये कि नखरे नहीं, मतलब कोई चीज नहीं समझ में आती। जैसे क्या नहीं खाते आप? जैसे मैं बैंगन नहीं खाता। अच्छा, मैं ताहिरी नहीं खा सकता। नहीं कहे, बोरिंग लगता है, मैं क्यों खा रहे हैं सीरियसली? अच्छा, आपस के बाद मुझे भी बोरिंग लगता है, नहीं खा सकता। हां, इसकी टेस्ट ही नहीं, मैं कड़ी नहीं खाता। जिसमें सब लोग कहते हैं क्या आप कड़ी भाई नहीं खा सकते, नहीं चीज पसंद, टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। तो अब ये होता है कि अच्छा आप लोग ये खा रहे हैं, आप वैसे ही चावल रोटी नहीं खाता मैं, तो मैं वैसे ही सही है, मैं रुक डाइट पे। ये बहाना अच्छा है। हाँ, ये अच्छा, मैं डाइट पे हूं। इस पे भी डांट पड़ती है। अच्छा, ये कितनी डाइट है, सेहत खराब होती है, इतनी डाइट भी नहीं करनी चाहिए, क्या करें, क्या करें, जरूरी है। हाँ भाई, अच्छा ये मैं इनसे ही पूछूं, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, हर सेलिब्रिटी को कोई ना कोई चीज़ परेशान करती है। अब आपकी कज़न जो है उनकी चॉइस कुछ अलग ही होगी, तो आपको क्या लगता है अरूबा को एज सेलिब्रिटी कौन सी चीज़ परेशान करती होगी? कभी इन्होंने जिक्र किया हो आपसे? इसमें ये है कि एज ए सेलिब्रिटी तो ज़्यादा मतलब मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर हम लोग घर के अंदर बात करें ना, तो इसके साथ अक्सर इस तरह हो जाता है कि अगर किसी से भी लड़ाई हो गई है, कुछ नाराज़गी हो गई है, तो जब तक ये उस बंदे को मना ना ले या कुछ चीज़ें रिजॉल्व ना हो जाए ना, इसको नींद नहीं आती। हाँ। तो एक ये चीज़ है, एक मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा नोटिस की है, ये सुकून में नहीं रहे, सुकून में नहीं। बहन तुम तमाशा में कैसे सोई? नहीं सोई ना, कितनी मुश्किल होंगी, नींद नहीं पूरी हुई होगी। कुछ लोग होते हैं कि अक्सर मियां बीवी में लड़ाई होती है और बीवियां बेचारी पूरी रात जाग रही होती है, मियां खर्राटे भर के सो रहा होता है और खाने भी खा रहे होते हैं। हाँ। तो फाके कर रही होती, रिलैक्स, चिल भर के खाना, तो खाने से कोई नाराजगी थोड़ी होती है। हाँ। और बीवियां कर रही होती हैं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि इनको किस चीज से प्रॉब्लम होती होगी? मुझे ये लगता है कि कोई बार बार इनसे कोई सवाल करे तो ये थोड़ा इरिटेट हो जाती है। अच्छा। उनको पसंद नहीं आता कि इनसे कोई बार बार, एक दफा पूछने मतलब। हाँ। कुछ लोग होते बार बार वो, अभी तो उसके बच्चे इसको बहुत तंग। हाँ। लेटेस्ट लेटेस्ट तो ये है कि जाहिर सी बात है बच्चे तो तंग करते ही हैं। अब्बा के बगैर बच्चे संभालना, के बगैर संभालना क्योंकि मैं बोलती थी फैसल ये मुझे ये तंग कर रहा है, ऐसे कहता था इधर आओ सद, वो तो उनकी एक आवाज ही काफी होती थी। अब मैं कहना कि इसको बुला के डांट लेते हैं बच्चों को, ये बहुत तंग कर रहा है। हां, उनको अब मैं गुस्सा करती भी हूं तो वो मुझे कहते मम्मा आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हैं गुस्सा? मैं पता आप गुस्सा करती नहीं है। अब आप जानबूझ के क्यों दिखाने की कोशिश कर रही हो, रोब क्यों दिखा रही है? और अब्बा का जो रोब होता है वो जाहिर है असर अंदाज होता है, माँ का रोब चलता नहीं है, तो इस वजह से ये तो खैर माँ वाली परेशानी है, सेलिब्रिटी वाली नहीं है। यहाँ बताएं एज सेलिब्रिटी इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि अगर ये हो जाए तो फंस जाएंगे? मतलब कि ये हो जाए लाइक जिस तरह की एक बंदा झूठ बोल रहा है बहुत ज्यादा, उससे तो गुस्सा आएगा मुझे। कोई और झूठ बोल रहा परेशानी, अगर किसी परेशानी में फंस जाए, सेलिब्रिटी की कुछ होती है ना कि जैसे लाइक हम पब्लिक प्लेसेस या इधर उधर हम उतनी आराम से मूवमेंट नहीं कर सकते, तो कहाँ ये फंस सकते हैं? मॉल के गए वहाँ पे फंस गए, मॉल में फंस गए, वहाँ
क्यों जाएंगे, फंसना होगा तो नहीं जाएंगे, मगर कभी कभार कोई गड़बड़ भी तो हो जाती है ना जिंदगी में। क्या क्या हो सकती है गड़बड़े? गड़बड़े इस तरह मुझे याद नहीं आ रही। अरे भाई गाड़ी खराब हो गई और सलमान सही खड़े होके रस्ते में टायर का मतलब पंचर सही कर रहे हैं या कोई। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है मेरे साथ। ऐसा हुआ है एक्चुअली, तब परेशान होता हूँ। होता तो बंदा बहुत सी चीजों से, लेकिन मैं ये मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी कहीं मैं जा रहा हूँ और गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं भवानी चेक करता बहुत दिनों तक, पानी नहीं चेक करता, तो कभी गया तो पंक्चर हो गया, ये मेरे साथ बहुत होता है। लेकिन वो बच जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं बैठ जाता हूँ और फिर लोग आ जाते हैं। पाकिस्तान में ना ये बड़ी आदत है, ये सारे आ जाएंगे देखने। वैसे सबको बहुत जल्दी होगी, लेकिन कोई कुछ हो रहा होगा ना तो ऐसे मौके पर डर के मारे। कभी ड्राइवर नहीं होता तो मैं गाड़ी नहीं चलाती कि टायर पंचर हो गया और ये कौन करेगा, और कोई होगा नहीं करीब में तो मैं तो नहीं कर सकती। सो मुझे बहुत डर लगता है इस तरह। हालांकि ड्राइविंग आती है, लेकिन बाहर के मुल्कों में तो सबको पंक्चर लगाना आता है, सब होता है। अक्सर मेरी गाड़ी में कभी वो स्टेपनी टायर भी नहीं होता, बहुत ही मैं केयरलेस हूँ इस मामले में, तो वो खुद ही बेचारे आ रहे होते हैं। मैं बैठ जाता हूँ किसी की शॉप वॉप पे आराम से, चाय वाय पीता हूँ, कहते सर चाय वाय पिलाएं, तो मैं चाय पीता हूँ और वो आके कभी अगर ऐसा होता है तो खुद ही पंक्चर लगाते हैं, करते हैं। अच्छा पहले मेरे साथ बहुत ये होता था कि मैं गाड़ी की चाबी अंदर भूल जाता था। अरे बाप रे, ये मेरे साथ 3-4 दफा हुआ। पता चल गया कितने केयरलेस हो भाई, पता चल गया गाड़ी की चाबी भूल गए। फिर एक दफा भी रिसेंटली वो गैसकेट फट गई। गैसकेट फट गई, वो पानी नहीं डालते ना आप, तो वो हीट से ऐसा होता है। जी, गाड़ी का इंतजाम बढ़ गया। तुम लोग एक ही खानदान के हो, पता चल गया। वो छोड़ के चप्पल पहन के आ जाता है इधर, समझ आ गई मुझे बिल्कुल। मतलब काफी चीज शक्लें नहीं, आदत भी मिलती है कजन्स की भाई। यहाँ क्या कहानी हो सकती है बताएं जरा, इनको क्या चीज से परेशानी हो सकती है? इनको परेशानी होती है पंक्चुअलिटी से, क्योंकि ये खुद बहुत पंक्चुअल है हर जगह जाने में। मतलब हर जगह अगर 7 बजे का पॉइंट है, होने के हद तक मैं ऑफ हो जाता हूँ अगर कोई पंक्चुअल ना हो। कोई पंक्चुअल ना हो, इन्होंने कोई प्लान बनाया हो या किसी और का प्लान हो, ये टाइमली पहुंच जाते हैं वहाँ। और कोई अगर 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, फिर उसकी टायर नहीं, मूड ऑफ। गुस्से की तेज है वैसे, समटाइम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और हमें ये पता होता है कि 10 मिनट ऊपर हो गए बस अब क्लास। अच्छा, इनको मनाना आसान है वैसे, इस खानदान में होता है ना, जो कजन होते हैं कुछ, उनको मनाना आसान है या रूट गए तो रूट गए, रूट गए चले गए महफिल से बस? अरुबा कह रही है नहीं, गए तो नहीं, रूट गए तो रूट गए। बहुत इनको मनाना बहुत मुश्किल मुश्किल है, तो हम यही करते हैं कि कौन ऐसा खानदान का फर्द है जिनसे ये कन्विंस आराम से हो जाते हैं? पहले एक थप्पड़ पड़ता है फोरन सेट अम्मा, अरे बाप रे, अम्मा से नहीं हो सकता। अम्मा के साथ अगर हमारा कोई प्लान होता है ना, तो मुझे कहती तुम चले जाओ, तुम बैठो अपनी गाड़ी में और चले जाओ, मैं भाई के साथ आ जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्योंकि मैं नीचे चला जाता हूँ, और अगर मैं नीचे चला गया तो उसका मतलब है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। भाई शादी में जाना है, हमारी शादी नहीं है, हम इन्वाइटेड है भाई, इन्वाइटेड है, टाइम दिया है पहुँचे। आपको पता है सेट पे मुझे गलत टाइम दिया जाता है जानबूझ के, क्योंकि आप जल्दी आ जाते हैं। मुझे बोला 10 बजे, 10 बजे का मतलब 10 बजे, अब मैं सेट पे आ गया हूँ, सेट पे कोई भी नहीं है मेरे सामने, मैं कॉल कर रहा हूँ भाई एक सेकंड, अब मेरे सामने दरवाजा खोल रहा है, मैं कह रहा हूँ तो मुझे क्यों बुलाया 10 बजे, आप क्यों आए 10 बजे, तो आपने टाइम दिया 10 बजे का ना, तो फिर सही है, आदत हो गई है सबको, सुबह 10 बजे का कॉल टाइम है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा ये बताओ मुझसे पहले सीन्स किसके हैं? सर आपसे पहले दो सीन, मैंने कहा ठीक है तो मैं 1 बजे आऊंगा, ठीक है मैं समझ जाता हूं। होता है एक कोई लेट करता है उसकी वजह से सब फंसते हैं, तो वो पंक्चुअलिटी का ना एक मसला, जो एक होता है उसको आदत होती है लेट की भाई के, ये तो पाकिस्तानी टाइम है। अच्छा बचपन में इनकी कौन सी शरारत है जो अम्मी अब्बू किसी ने भी आज तक सुनाई हो? होता है ना कोई किस्सा मशहूर होता है, मेरी अम्मा मुझे लाइक इंतकाल से पहले तक सुनाती रही कि एक दफ़ा तुमने, छोटी सी थी 1.5 साल की, और मैं अखबार पढ़ी थी, मुझे आवाज़ आई तो मैंने देखा तुमने पान वहाँ रखा था, उठा के खा लिया, पूरा मुंह भर लिया, और जब मैंने तुमसे शीशे में दिखा के बोला, ये मैं बहुत सुनती रही हूँ, सबको सुनाती रही है, तो शीशे में दिखाया तो मैंने कहा कौन है, और मैं 1.5 साल की बच्ची बोलती है कार्टून, क्योंकि मैंने मुंह पे पूरा पान थोपा हुआ था। सो और फिर मैं, तुम ना दीदी थी, दूसरी बहन पैदा हुई तो पूरे हॉस्पिटल में तुम बिस्किटें और चॉकलेटें मांगती फिर रही थी हर कमरे में जाके, तो मतलब ये मैं सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ, खानदान वालों को भी ये पता है किससे, तो कोई ऐसा किस्सा है ये मैं सबसे पूछने वाली हूँ जो इनका सुनाता। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा ये है कि एक दफ़ा मैं इनके घर गया, और जो है मैं बहुत छोटा था उस टाइम,
तो ये भी छोटी थी, तो अब वो हम लोग को वो पूरा इंसिडेंट याद नहीं, तो अब मैंने इसके पास कुछ चॉकलेट्स पड़ी थी इसके फ्रिज में, तो मैंने बोला कि यार ये मैं चॉकलेट्स खा लूँ, तो इनको कहीं अम्मा से डांट पड़ी थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा, मेरी चीज़ें मेरी चीज़ें मेरी चीज़ें। अच्छा, ये सब कह के मैं घर चला गया। अब जब मैं घर चला गया तो इनको फिर उसके बाद ये ख्याल आया कि वो मेरा बिलव्ड कज़न आया हुआ था और उसको मैं वो चॉकलेट्स ना दे सकी, तो इन्होंने भाई वो चॉकलेट्स को ख़राब किया और इन्होंने चॉकलेट्स को डस्टबिन में डाला, जस्ट बिकॉज कि क्योंकि उसको नहीं मिली तो ये मेरे मुझे भी नहीं मिले। तो ये चाची हमेशा हमें जब बड़े हो गए तो चाची अक्सर सुनाती थी कि ये छोटे हो गए इतना इसने खुद किसी को खाने दी नहीं, मुनीब ने मांगी थी और उस टाइम ये चलती रहती ना, कोई बचपन की चीज होती है, आप भूल जाते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स आपको याद दिलाते रहते हैं। तुम लोगों को तुम्हें याद है कोई चीज? भाई यही थी कि ये अबू ये बताते थे कि वैसे तो बताते थे कि नहीं इतनी शरारतें नहीं करती थी, लेकिन हाँ ये बैल जरूर बजाती थी, बैल बजा के भाग जा के भाग जाना और दूसरा घूम हो जाना, दो इनके ज्यादा घूम हो जाना, तो मैंने भाई से इतना सुना कि फहीमा तो बस मैं पकड़ के लेके घूम होने का तो बहुत है, दो तीन दफा घूमी हूँ मैं। और अच्छा अबू ही जब भी मतलब और भी भाई हैं, दो और हैं चचा, लेकिन वो अब्बू को क्लोज थी भाई के साथ ना, भाई भाभी से बहुत क्लोज थी, छोटी बहुत थी, अब्बू प्यार बहुत करते थे इनसे, वो जाहिर है ना वो बड़े भाई, प्यार इनको ढूंढ लेता था सबसे छोटी। और तुम हो दसवें नंबर पे, मैं पहले नंबर पे, वो दसवें नंबर। जी जी ऐसे यहाँ क्या शरारत को याद है इनकी अम्मा ने जिक्र किया हो? इसको क्या याद हो मुझे इसकी शरारतें? हाँ ये तो उल्टा हिसाब है, हमारे साथ तो इन्हें छोटे थे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करता हूँ? रात को लेट निकल जाते थे क्रिकेट, ये और भाई सुनते हैं याद थोड़ी होता है, जो आपके घर के बड़े होते हैं ना वो बार बार रिपीट करते हैं हर खानदान में बैठेंगे जी, एग्जैक्टली जहाँ थोड़ी इज्जत हुई फौरन औकात पे ले आते हैं। क्रिकेट क्रिकेट के लिए मैं जाता था, बहुत ज्यादा था, मैंने भी कभी कभी बेल्स बजा के ही भागा हूँ। अच्छा, लगती नहीं है वैसे शरारत, यही होता था ना, वीडियो गेम स्टोरी होता था हमारे पास, तो इतनी एक्टिविटी होती थी यार, वो होता था एक्साइटमेंट होती थी कि भाई बेल बजा के भागे हैं, मतलब यार आसान बात है। ये मैंने रिसेंटली भी किया शरारत की है, अब आप करें अगर तो अब तो लोग मरने मारने को तराते हैं, ओहो पेशेंस लेवल बिल्कुल जीरो है। ये भी मैंने और मेरी वाइफ ने रिसेंटली किया, वेरी गुड, लाहौर में उनके वो अपार्टमेंट में अस्करी के, तो आज सारे पोल खोल रहे हैं बेटा, टीवी पे अस्करी वाले भी देख रहे होंगे। मैंने बताया कौन सा 10 है 11 है, तो कभी कभी दिल चाहता है शरारत करने, ऐसे ही जा रहे थे, मैंने ऐसे स्कूल में बेल बजा के भागे, उसको बेल बजा के ना हम लोग ऐसे ही निकल के ना बाहर ऐसे ही नॉर्मल खड़े हो गए और बातचीत करने लगे, नहीं 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 चलते यहाँ से, नहीं नहीं नॉर्मल रहो, इसमें ज्यादा पकड़ाई नहीं होगी वरना कैमरों में दिख जाएगा। यार हमने तो ऐसी घिनौनी शरारती की, हमारे कजन्स और हम जो है वो एक ही एरिया में रहते थे, तो हमारे जो टीचर थे वो हम सबको पढ़ाते थे, तो हमारे कजन्स जो है और हमने प्लान बनाया कि थंपिंग टीचर के नीचे रख देंगे, छुट्टी करेंगे, छुट्टी करेंगे, इनकी छुट्टी कराएंगे, बहुत हो गया, इतने सख्त टीचर है। अच्छा हम ये भूल गए कि जिस कुशन पे वो बैठते थे वो स्पंज का था, हमने थंपिन रखी इंतजार में, अभी चीखेंगे अभी कुछ होगा, वो कुशन के अंदर घुस गई थंपिन, उनको कुछ नहीं हुआ, सेफ एंड साउंड पढ़ा के चले गए और दूसरे दिन पिया। वो होता है टीचर का कुशन भी अच्छा हो। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ननियाल और ददियाल की कहानियां आज सांझी सांझी लग रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सबके खानदान में कोई ना कोई चीज़ एक जैसी तो होती है। सो अब किस्सों पे आते हैं, दोबारा दिखाएं भी नेक्स्ट किस्सा किसका है। हाँ, छोटी कजन से लड़ाई, अरूबा क्या कहानी है, किस कजन से लड़ाई? वो भी ताए की बेटी है। अच्छा, और लड़ाई होगी किसी बात पे, और अच्छा अब जाहिर सी बात है मेरी इसके साथ हमेशा से बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है, तो अब वो भी क्योंकि ये एक उनके भी कज़न थे मेरे भी थे, और दोनों अब मेरे मुताबिक कि ये मेरा साथ देगा, ठीक है उसके मुताबिक ये उसका साथ देगा, लेकिन हुआ ये कि इसने मेरा ही साथ दिया, और वो नाराज़ हो गई, ठीक है कि आपने मुनीब भाई आपने हमेशा अरुबापी के ही साथ देना होता है, सही हो या गलत, और आपने इस तरह ऐसा, जब वो नाराज़ हुई तो नाराज़गी ज़रा मुझे तंग करती है, जहर सी बात है कज़न तो वो भी थी मेरी, तो थोड़ी देर में ये तो अब चला गया, और जब वो रोई धोई तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा था चलो बात खत्म करते हैं, उसके बाद हुआ ये कि मैं और वो तो दोनों एक हो गए और मैं दुश्मन बन गया।
ये चीजें कभी कभार होती है। हाँ भाई दिखाओ नेक्स्ट किस्सा। बहन की शादी, क्या हुआ था भाई बहन की शादी पे? आई थिंक मिक्सअप, ये वही बहन की शादी का हमने पहले डिस्कस किया। डाकू वाला? डाकू वाला भांजी, वो तो भांजी भांजे की थी। भांजी की शादी भूल गई। चलो दूसरे किस्से तुम याद करो। दूसरा किस्सा ये था ना, क्या खाई थी मेरी बोटी, क्या खाई थी बोटी? हाँ बोटी वाला किस्सा। हाँ मेरी एक बड़ी बहन है इरम, इरम को बहुत शौक था उसका एक भाई हो जाए, मुन्ना हो जाए बस। हाँ। हर में एक मुन्ना आ जाए, वो हर वक्त मुन्ना मुन्ना करती रहती थी बहन। ये उसकी के शौक की वजह से अम्मी अब्बू पसे। हाँ। 12 बहन भाई। जी हाँ मुन्ना चाहिए था। हाँ। असल में सबसे बड़े भाई है, उसके पास 5 मुन्निया है। हाँ। तो अम्मी को मैं यही कहती हूँ, अम्मी इतना शौक था आपको भाइयों का कि आपने इतनी सारी माशाल्लाह से पूरी क्रिकेट टीम। हाँ, माशाल्लाह। तो खैर अब उसको मुन्ने का बहुत शौक था, हर वक्त उसके पास एक गुड्डा होता था, वो कहते थे मुझे अम्मी भाई चाहिए। फाइनली हमारा भाई हो गया शुएब, जो मुझसे बड़ा है। अच्छा मुझसे बड़ा भाई है, फिर उससे बड़ी इरम है। अच्छा अच्छा इरम का मुन्ना हो गया, इरम तो बस पागल के मेरा तो मुन्ना आ गया। उसका अकीका था छोटा सा, वो मिलकर कुछ मंथ्स ओल्ड होगा, उसने अकीके की ही बोटी उसको खिला दी, बोटी खिला दी बच्चे को, और वो बेचारे की सांस रुक गई। हम लोग सारे ना उसको बातें सुनाते हैं, हम लोग कहते हैं इरम तुमने इसको बोटी खिलाई थी ना शुएब को मोहब्बत में। तो वो छोटी होगी ना उस वक्त। हाँ, वो छोटी थी। वो कितनी बड़ी? वो शुएब से 1.5 साल बड़ी है। 1.5 साल बड़ी है, इसीलिए तो वो खुद भी छोटी थी। हाँ। प्यार में उसने उसको खिला दिया और वो फंस गई। और ये बड़ा कजन्स के बीच में, बहन भाइयों के कजन्स के बीच में ऐसा बहुत होता है। जैसे एक कजन ने, वो कूद रही थी, मेरे यासिर के खानदान की कजन थी, वो बिस्तर पे कूद रही थी और छोटी न्यू बॉर्न बेबी जो है वो वहीं पे बिस्तर पे ले थी, वो उसकी पसलियों के ऊपर चढ़ गई, उसकी पसलियां फ्रैक्चर हो गई। तो ये चीजें बड़ी कजन्स में खानदान में हुई होती है, किसी ने धक्का दिया, दांत टूट गया। मेरी वाला क्या होता है, और मेरी कजन बहन भाइयों हम लोग जंप लगा रहे थे, तो उन्होंने धक्का क्या दिया कि वो उन्होंने कहा कि जल्दी करो, जल्दी के चक्कर में मेरी यहाँ पे ना ये आईब्रो, ये मैं फिल करती हूँ यहाँ पे, मेरी आज तक आईब्रो नहीं आई। हाँ। वो कारपेट से रगड़ रही थी। हाँ। तो यहाँ तक, यहाँ पे आज तक आईब्रो नहीं आई। अल्लाह, ये बहुत होता है। अब जैसे हमारे खानदान में दानिश की बेटी है, वो छोटी सी थी, वो बहुत शरारती थी, तो वो कूद रही थी, वो टेबल पे खड़ी हुई थी यहाँ पे, और बाकी सारे कजन इधर इर्द गिर्द बैठे हुए थे, वो खुद ही कूदते कूदते जमीन पे गिर गई और उसको पूरा ब्लड। सारे कजन डर गए, भाई हमने तो कुछ नहीं किया लेकिन हम फंसेंगे। तो ये चीजें बड़ी होती हैं खानदान। हाँ भाई नेक्स्ट किस्सा, शानी भाई की शादी। शानी भाई की शादी का किस्सा क्या था भाई, भूल गए बता के? हाँ मुझे भी। शानी भाई कौन है? शानी भाई हमारे बड़े कजन है, स्कॉटलैंड में होते हैं। उनकी शादी में कोई लड़ाई झगड़ा हुई थी? कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं, क्या बताया था, रूट के तो चले गए। शानी भाई की शादी रूट के भी नहीं चले गए। शानी भाई की शादी में खाना, ओह यस अब आ गया याद, वो हमारे घर की सब पहली शादी थी, सबसे बड़े कजन है हमारे। अच्छा। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे उसको लेके, तो जब हमने उनका कमरा सजाया तो दो शरारती लोग थे हमारे, एक मैं और एक हमारे एक और नौमी भाई हैं। तो हमने ये किया कि उनकी जो दो बटन्स थे ना, एक लाइट का और एक पंखे का, वो हमने चेंज स्विच करवाया। और एक तो पहले दो बटन बाहर लगवाया कि हमारी मर्जी से बटन ऑन और ऑफ पहली बार, और दूसरा ये कि सर्दियों की शादी थी तो हमने, लोग जाहिर सी बात है पंखा बंद कर देते हैं, तो हमने किया था कि अगर आप पंखा बंद करेंगे तो लाइट खुल जाएगी। इलेक्ट्रिशियन को बुला के काम करवाया हमने बाकायदा, और फिर एक स्पीकर लगाया था हमने बहुत बड़ा स्पीकर उनके कमरे में, जो उनको मालूम नहीं था कि स्पीकर यहाँ है, और उसका माइक हमारे पास था। जब सब कुछ हो गया, घर आ गए, भाभी को लेके उनको सेटल कर लिया, तो फिर 4-5 बजे हमने सूझा कि अब ये वक्त है तंग करने का। अच्छा लाइट तो वो परेशान हुए लेकिन उन्होंने कुछ फील नहीं होने दिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने अंदर ही कुछ खोल वाल के उसको, उन्होंने कहा चलो बेटा ये तुम लोग की बस की बात है, हमने कहा अभी जरा सेटल होने दो उनको। 5 बजे हमने माइक पे पहले ठक 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 किया, जैसे माइक चेक होता है ना, हमने कहा शानी भाई फजर का वक्त हो गया है, आ जाए नमाज पढ़ लें। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि वो समझ गए थे कि सब मिले हुए। तो फिर हमने काफी तंग किया था उन्हें, फिर उन्होंने तो करते हैं काम, रुखसती होती है और घुमा रहे होते हैं गाड़ी को कजन, ये भी तो हरकत है। हां मतलब रुखसती करके लेके गए, घुमा रहे हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप अगर रिएक्ट करेंगे तो फिर आप ज्यादा तंग होंगे। तो मुझे गाड़ी में बिठाया सारे भाइयों ने, कजन ने, सब लोगों ने, और सीधा चलो भाई हाईवे चल रहे हैं खाना खाने। मैंने कहा बिस्मिल्लाह चले जाते रहे, जब सारे फैसले होने, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा कोई मसला नहीं, मैंने कहा चले यार क्या हो गया, घूम फिर के तो मैंने वहीं जाना है। तो फिर मैंने कहा अच्छा यार वही उठा, इसको तो फिर भी कुछ शराफत है। मेरी छोटी बहन की शादी हुई तो जो सारे जितने मेरे कजन थे उसको हम किसी होटल में छोड़ने गए, जब होता है ना सब चीज़ सेट वेट करके,
मैंने जाके जब चीजें मीजे सेट की तो देखा है अलमारी में एक कजन छुपी हुई है, बाथरूम की टब में एक कजन छुपा. मैं कहा यार ये ज्यादा हो रहा है. मैंने कहा यार ये ज्यादा हो रहा है, अब निकलो कमरे से, ऐसा नहीं हो सकता. मतलब इस तरह के भी एज तक चले जाते हैं कजन्स तो. कोई बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है, कोई कुछ छुपा हुआ है, डांटो यहाँ से. ये क्या सो ये तो कजन्स की जो शरारते होते हैं, शरारते है ना, ये उरूज पर होती है. एक दफा मेरे अब्बू के खानदान में उपटन खेली जा रही थी तो उनकी कजन ने उपटन के अंदर मिर्चे मिला दी. जस्ट इमेजिन. अब कजन्स के हद तक तो सही रहता है. अब जो बड़े हैं उनको भी उपटन लग रही है तो मिर्चे मुंह पे. उन चाचा का जो हाल हुआ है ना, जो मेरे अब्बू के कजन थे उनका जो हाल हुआ है, आज तक हम वो किससे सुनते हैं कि इन्होंने मिर्चे मिला दी थी, उनकी आंख में लग गई, उपटन मली तो मुंह पे मिर्चे लग गई. मतलब इंतहा होती है शरारत. हाँ भाई दिखाओ. लड़ाई से बचाया, लड़ाई से बचाए तो तुम लोग भूल जाते हो ना बता के. नहीं नहीं मुझे याद है. किसकी लड़ाई हो रही थी, किसने बचा? इसी की हो रही थी बचपन में. अच्छा. नहीं इसने पंगा ले लिया था मोहल्ले में तो. तो आपको पकड़ के लेके गया? हाँ मैं वहाँ था कि अब्बू होते नहीं है घर में, शायद तुम ही सबसे बड़े अपने बहन भाई हो, ये भी छोटा था. हाँ. तो मैं था वहाँ पे तो फिर इसने मुझे बुलाया था तो फिर मैंने जाके, फिर मैं आया ही तो भाग गए देख के. जब भी लड़कों की लड़ाई होती है ना, वो कहते हैं अच्छा भाई अभी बताता हूँ, फिर अपने कजन और दोस्त सबको लेके जाते हैं पूरा एक पूरी. ये क्या है, लड़कियाँ तो ऐसे नहीं करती, लड़कों में क्या सीन है ये? पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं बुलाया किसी को, मैं खुद ही पिटपिट आके आ जाता हूँ. हैरान कुन चीज होती है, कितने मजे की प्यारी बातें होती है और ये नॉस्टैल्जिक होती है. आप जब भी करें आप उसी एरा में पहुंच जाते हैं. बहुत कीमती मेमोरीज होती हैं आपकी जिंदगी की, ये जैसे आप ननियाल की मेमोरी कह लें या ददियाल की कह लें, जरूरी होते हैं ये रिश्ते बहुत जिंदगी में. सो इसीलिए वो जो होता है ना, कितने सालों से बात नहीं की है, मिलना मिलाना ये चीज़ सब चीज़ें ख़त्म कर दें, क्योंकि आप तो बड़े होके लड़ रहे मर रहे होते, लेकिन आपके बच्चे जो है ना वो एक दूसरे से दूर होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं, वो मिस करते हैं बड़ी इन चीज़ों को. सो ननियाल हो या ददियाल, सब सांझे हैं, सबसे प्यार. थैंक यू सो मच आप लोग अपने खानदानी जो रिश्तेदार हैं उनको हमारे पास चौप पे लाए और उन्होंने आपका मान भी रखा. कोई ऐसी बात बाहर नहीं की. थैंक यू सो मच. जी देखा, कर दिया ना चार्ज आपको सुबह सुबह, यही हमारा काम है बस, बाकी जिम्मेदारी आपकी. अब जिनसे रूठे हुए हैं, जिनके बच्चों से कितने कितने अरसे तक मिले हुए नहीं है आपस में, कर ले मुलाकात, छोटी सी जिंदगी है. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज. सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा.